मुन्ना भाई जानू चाचा आ रहे हैं। नो आई सी डी से उतर रेले हैं, इंग्लिश पिक्चर के हीरो की तरह लग रेले हैं। हाय गुड मॉर्निंग, कपूर भाई के होटल में आए ले हैं। हेलो। हाँ चाचा, मैं पिल्ले ही बोल रहा है। बोल पिल्ले। हाँ वो मुन्ना भाई से बात हुई क्या? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ बेटा, तू घबरा मत बेटे, इंशाल्लाह वो मेरी बात टालेगा नहीं। हाँ चाचा, मैं भी ये चाहता है कि आज के बाद मुन्ना भाई और मेरा दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बेटा इसी में सबकी भलाई है। ये लो वो आ गया सामने, बेटा मैं उससे बात करके तेरे को फोन करता हूँ। हाँ चाचा, लेकिन काम हो जाएगा ना? अभी रखता हूँ बेटा मैं। आ बेटा, सलाम वालेकुम जानू चाचा। सलाम चाचा। बेटा माशाल्लाह क्या रुबाब है तेरा, दिल को बहुत खुशी होती है। अरे तेरा बाप और मैं बहुत जिगरी दोस्त थे। तू कितना ही बड़ा आदमी बन जा, मेरा तो बच्चा ही रहेगा ना। हैं? क्या जमाना था। बेटा पुलिस तो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है ही, अब अपने धंधे के लोगों को दुश्मन बनाने का क्या फायदा। चाचा कहीं आप पिल्ले की तो बात नहीं कर रहे? मुन्ना बेटे मेरी बात तो सुन। सुन तो चाचा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा ही पैदा किया हुआ, मेरा बाप बनना चाहता है, अपना गैंग चलाना चाहता है वो। बेटा गलती हो गई उससे, अब तो वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, मैंने सब बात कर ली उससे। चाचा आप नहीं जानते उसे, वो सांप है, सांप जितना सीधा दिखता है उतना टेढ़ा चलता है साला। बेटा अब तो मैं जुबान दे चुका हूँ। हाँ, मेरी बात का मान रख ले बेटा, मान जा, अब बात कर ले उससे। ठीक है चाचा, आप जाके उसे कह दो कि मेरे से हाथ मिलाकर रहे, हाथ के नीचे काम करे। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुदा तुम्हें हमेशा सलामत रखे। Oh!
पिल्ले का है। ये ले बात कर। कैसा गोली चलाता है रे तू? जिसे गोली मारना था वो तो मरा नहीं। अभी किधर है तू? इमीडिएटली आके मेरे को मिल। मैं अभी छुपा हुआ हूँ। आप कहाँ हैं? अरे बोला ना, बांद्रा कुर्ला रोड पर है। वहीं ठहर बेटे, मैं आता हूँ। ए, तू कौन? तेरा बाप बोल रहा हूँ मुन्ना। कुत्ते का पिल्ला मुन्ना के साथ बैठा। चाहिए तुम्हें। किसी भी इंसान को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, तमीज नहीं है तुम्हें? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? कहीं भी घुस जाओ, गुंडागर्दी करो, मारपीट करो। देखो सब कितने घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। चलो सॉरी बोलो इनको। सुना नहीं? मैंने कहा सॉरी बोलो इनको। सॉरी। स
सॉरी। भाई ये भाई? क्या हो गया? सॉरी भाई, क्या हो गया आपको? नहीं नहीं कह रहा भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं अपने भाई सॉरी बोला किसी को पहली बार? अब बोल कैसे, मैं भेजा, मैं समझ में नहीं आ रहा भाई। दूध की मलाई को देख के तुम जम क्यों गए? चलो भाई, पीछे नहीं, आप लोग पीछे नहीं देखते। इसे लॉकअप में बंद कर दो। जी सर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सर। किस बात का? जिस पिल्ले को पकड़ने के लिए पूरा डिपार्टमेंट परेशान था, इतनी आसानी से पकड़ा गया। ये पुलिस की बहुत बड़ी जीत है सर। अंदर आओ। शिंदे, तुम क्या समझते हो इसको पुलिस ने पकड़ा है? फिर किसने पकड़ा सर? किसी ने नहीं, इसने खुद को पुलिस से पकड़वाया है। मतलब जानबूझकर? लेकिन क्यों? कल इसने मुन्ना पे अटैक करवाया था और मुन्ना बच गया, और ये अच्छी तरह जानता है कि मुन्ना से अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए उसने खुद को पुलिस से अरेस्ट करवाया। वरना सोचो, जिसे इतने दिन से पुलिस ढूंढ रही है वो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, और वो भी पुलिस स्टेशन के सामने। सर, कमाल की बात तो यह है कि पूरा शहर जानता है कि मुन्ना अंडरवर्ल्ड का डॉन नंबर वन है। मुंबई में उसकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, फिर भी पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कार्रवाई उसके खिलाफ होती है शिंदे, जिसके खिलाफ कोई गवाह और सबूत मिले। मुन्ना के खिलाफ कोई गवाह और सबूत मिलता ही नहीं, इसलिए वो बेखौफ शहर में अपनी मनमानी करता फिरता है। इस वक्त भी वो शहर में किसी न किसी के साथ जबरदस्ती कर ही रहा होगा। भाई सीढ़ियां बहुत है, चढ़ना पड़ेगा। ए चलो, ए हटो हटो, भाई आ रहे हैं। आओ भाई, आओ आओ भाई, ए ए चलो सोफे से उठो, उठो, ए टाई जल्दी कर, ए भाई निकल निकल यहां से, बाहर निकल यहां से, ए चल चलो, ए बैग उठा अपना, ए जल्दी कर, टिप टिप बंद कर। चल बोलो, तुम यहां क्या कर रहे हो? ए सर, और सर नीचे रख के बात कर। ए भाई, आए मुन्ना भाई। तेरा भाई पिल्ले मुझे मारने आया था, जानू चाचा मर गया, उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा? आज से तेरी ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जानू चाचा की बीवी बच्चों के नाम, समझा? चलो ए, साइन कर, आज से तेरा सब ताम झाम जानू चाचा की बीवी बच्चों के नाम। मुन्ना, तू ये ठीक नहीं कर रहा। तू साइन कर। अरे नहीं साइन करूंगा। मुन्ना, क्या कहा था मैंने? पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। जबरदस्ती करोगे, बदतमीजी करोगे, मार डालोगे, ऐसा नहीं करते ना मुन्ना। चलो सॉरी बोलो। मैंने कहा ना सॉरी बोलो। सॉरी होता है। ये मत सोचना कि तू बच गया। ये अपने लक को थैंक यू वेरी मच बोल के आज भाई का मूड गड़बड़ है। जिस दिन भाई का मूड अच्छा होगा ना, उस दिन तेरे को गोली मारेगा। हिलना मत, जो भी चाहे मैं चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अरे भाई साहब, देखे देखे भाई, मारिया मत। अबे देख क्या रहा है भाई, जल्दी निकाल, जल्दी कर। हाँ जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। ये जो चाबी जो है, ये मैं इधर चाबी, ये चलना। अरे भाई साहब, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। इसी को उतारने के लिए तो आपको लूट रहा था। हाँ क्या मतलब? 3 दिन से बुखार पड़ा हूँ, ना खाने को पैसा है ना डॉक्टर को दिखाने को, इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। मेरे को पुलिस मत देना था। नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पुलिस में नहीं दूंगा, मुंह बंद करो। आओ इधर आओ, यहाँ लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए, एकदम लेट जाइए, हिलिएगा मत, बिल्कुल हिलने की जरूरत नहीं है। जोर जोर से सांस लीजिए आप। हाँ, मुंह से मुंह से मुंह से। ये क्या हो रहा है भैया? अरे कोमल, जरा बैग खोलना मेरा, जल्दी निकालो, बेचारा बहुत बीमार है। हमारी जरा प्रेस्क्रिप्शन पैड निकाली। माई साहब मुंह खोली जरा। हाँ, बस गले में इन्फेक्शन है आपको, इसलिए आपको बुखार हो गया, खड़े हो जाइए।
ये मैं आपके लिए दवाई लिख रहा हूँ, 3 दवा है, 2 तो आप ले लीजिएगा रात को सोने से पहले, और 1 जो है वो आपको लेना है खाने के बाद। खाना कहाँ से खाइएगा आप, आपके पास तो पैसा ही नहीं। हम आपको पैसे देते हैं, ये लीजिए, खाना खाइएगा, दवाई खरीदेगा, ये रही आपकी प्रिस्क्रिप्शन, पकड़िए, और ये रहा मेरा कार्ड, इस पते पर आप मुझे 3 दिन के बाद मिलेगा। एक बात बोलना था। हाँ बोलिए। आप सचमुच भगवान? अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? जा, जा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। जा। भैया आप डॉक्टर हो, कोई मदारी नहीं जो सड़क पर बैठकर डमरू बजाना शुरू कर देते हो। अरे वो बेचारा मुझे लूटने आया था। लूटने? तो आपको तो उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। नहीं नहीं, मजबूरी से लूटने आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसका इलाज कर दिया फ्री में, अब वो किसी को नहीं लूटेगा। हाँ भैया यू आर ग्रेट। अरे भाई कोमल, देखो घर पहुंचते तुम मुझे अपना पासपोर्ट दे देना, मलेशिया का वीजा दिलवाना है मुझे। मलेशिया? हाँ। पर ये अचानक मलेशिया जाने का प्रोग्राम? अरे भाई वो हमारा वो दोस्त है ना वहाँ पर डॉक्टर डीडी, उसका फोन आया था, कह रहा था आप लोग मलेशिया क्यों नहीं आ जाते हैं घूमने। मैंने कहा चलो मलेशिया की सैर भी हो जाएगी, और उसका एक बेटा है डॉक्टर है वो भी, तो मैं सोचा था कि तुम अगर उससे मिल लोगी तो देख लेना, उसे शादी वादी की बात बढ़ाएं। शादी? हाँ भैया मैं अभी शादी नहीं करूंगी। क्यों भाई, कभी ना कभी तो करोगी शादी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाके उसे बस देख। पर मेरी क्लासेस बंद हो जाएंगे और मेरे स्टूडेंट्स का क्या होगा? नथिंग डूइंग। अच्छा तो आपको क्लासेस की ज्यादा फिक्र है, भाई साहब की फिक्र बिल्कुल नहीं है। ए मुन्नू देख गाड़ी को किसने टच किया, ए चेक कर डिक्की में फल फ्रूट ठीक ठाक है ना। एक मिनट भैया, ये चश्मी संधा हो गया क्या, खड़ी गाड़ी को रोक रहा है। भाई साहब माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती मेरी है, आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। वो क्या है कि गाड़ी चलाते समय कभी बात करना नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं कि पुलिस को बुलवा। देखो भाई आपने गलती मान ली ना, जाने दो। नहीं नहीं पुलिस है ना। अरे छोटी सी टक्कर के लिए काहे को पुलिस को बुला रहा है यार। अच्छा एक काम करते, देखिए यहाँ कहीं आसपास कहीं एक गैराज होगा, गैराज में जाकर इसकी रिपेयर करवा लेते हैं, जो भी नुकसान होगा वो मैं भरे देता हूँ। नुकसान नहीं चाहिए ना। अरे नहीं नहीं देखिए आप लोग, अरे काहे को मेरे गले पड़ रहे ला है, बोल दिया ना नहीं बुलाना तो नहीं बुलाना, नुकसान भर लेता। अच्छा काम कीजिए, एक काम, ये मेरे पास मेरा कार्ड है, ये कार्ड है मेरा विजिटिंग कार्ड। अच्छा दो ये देखिए डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर रस्तोगी नाम है इनका। क्या नीचे मेरा क्लिनिक का एड्रेस है, देखिए कभी भी अगर आपका इरादा बदल जाए तो आकर के मेरे क्लिनिक में मुझसे पैसे ले लीजिएगा। देखिए देखिए अगर आपका इरादा कभी बदले तो मेरे क्लिनिक में, इरादा अगर आपका कभी बदल जाए। कितनी बार बोला है। आज सायन कोलीवाड़ा इलाके में पुलिस और अंडरवर्ल्ड के लोगों में हुई मुठभेड़ में 2 शूटर मारे गए। बताया जाता है कि ये दोनों ही शूटर मुन्ना गैंग के थे, मुन्ना जो अंडरवर्ल्ड का डॉन है। मुन्ना की बढ़ती हुई एक्टिविटीज से पुलिस और शासन दोनों ही परेशान हैं। अब सुनिए खेल समाचार। परेशान तो हो गई। हाँ कौन? हेलो मैं अरोरा बिल्डर बोल रहा हूँ। भाई अरोरा बिल्डर का फोन। क्यों रे खजूर, बिना पैसे दिए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया ना? हाँ अब 4 CR चाहिए। कितना? 4 CR। पर आपने तो 2 करोड़ मांगे थे। वो बिल्डिंग शुरू होने से पहले बिल्डिंग शुरू कर दी ना तो उसका जुर्माना 2 CR, समझा? भाई जास्ती है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहां से दूंगा मैं? तेरे बच्चे लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना, छोड़ने ड्राइवर जाता है और लेने बीवी। बोल बोल कब मारू उन्हें, बोल। स्टॉप इट, बंद करो ये सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जबरदस्ती पैसा वसूल करोगे, दूसरों की बीवी बच्चों को मारोगे। चलो सॉरी बोलो, मैंने कहा सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। होता है। ये भाई को क्या हो गया, धमकी देते देते सॉरी बोल के चल दिए। बहुत बड़ा लोचा है, धंधा गड़बड़ हो रहा है, वरना भाई और सॉरी बोले। मुन्नू भाई ने दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। किसी भी इंसान को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, तमीज नहीं है तुम्हें? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने, कहीं भी घुस जाओ, गुंडागर्दी करो, मारपीट करो, जबरदस्ती पैसा वसूल करो। मैंने कहा सॉरी बोलो, मैंने कहा सॉरी। ए
क्या हुआ? साला फोन डालेगा, एक घुमा डालेगा साले को। भाई चुपचाप बैठना, भाई हिलना नहीं, भाई ए साला खिड़की बंद करके। भाई क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ यार। पक्का? पक्का यार। ए तुम लोग बाहर जाओ, जाओ बाहर जाओ, फुर्ती करो। आउट। भाई फिर गोली क्यों चलाई? ए भाई किसने चलाई गोली पता? मैं साले को फोन डालेगा। अबे मैंने चलाई गोली। ए भाई रो मत, खिड़की बंद कर दूं, किसी ने देख लिया तो इज्जत की वाट लग जाएगी। भाई पागल हो रहा हूं मैं यार, भाई पागल हो रहा हूं यार, नींद नहीं आती यार, अजीब अजीब सपने आते हैं यार। भाई भाई आपकी तबीयत तो वाकई में खराब हो रही है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जल्दी लेके चल यार मुन्नु। भाई की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर ए साला डॉक्टर, ए मुन्नु टॉप का डॉक्टर चाहिए। कुछ नहीं, इन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस है और एंजाइटी है। आईजाइटी? ये क्या होता है डॉक्टर, आईजाइटी? देखिए ज्यादा काम करने की वजह से इन्हें दिमागी थकान हो चुकी है, जिसकी वजह से ये नर्वस है और घबराते हैं। लगता है कि कोई डर इन्हें अंदर से सता रहा है। मुझे डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, मैं कौन हूँ? पूरा शहर भाई के नाम से डरता है और तू कह रहा भाई डरेला है? देखिए एक मिनट, डर इसे कहते हैं जो इस वक्त तेरे चेहरे पे है, समझा? डॉक्टर दुनिया को गोली खिलाता है ना तू, अभी भाई की गोली खाता तू? ये साला पागल डॉक्टर है तू, कल से इस हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं देखने का। साला मैं इतना होके खड़े लाए, तू इतना होके बैठे लाए। मुन्नू रोग भाई टेंशन में चल रहे हैं। भाई, भाई भाई क्या कहता हूँ, घबराने की बात नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते। भाई मेरे को याद आ गया, वो जिसने हमारी गाड़ी ठोकी थी ना, वो भी डॉक्टर है, उसने मेरे को ये कार्ड दिया था, उसी के पास चलते हैं। ये भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, 6.5 फुट हाइट है, उसके पास चलते है। हाँ ये आपका ब्लड शुगर कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इन दिनों आपने कुछ मिठाई तो नहीं ज्यादा खा ली? नहीं तो डॉक्टर साहब कल ही तो खाई थी मिठाई। अरे कल तो प्रसाद खाया था मैंने थोड़ा सा। अरे तो प्रसाद को प्रसाद की तरह खाना चाहिए ना, खाने की तरह तो नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गई उनसे, अरे घर में डाइट फूड बनाती हूँ ना तो होटल चले जाते हैं खाना खाने। तुम मुझे यहाँ दिखाने लाई है कि मेरी शिकायत करने आई है? अरे डॉक्टर साहब क्या बात, बात कर रही है? अरे सुनिए मेरी बात को इतनी लाइटली मत लीजिए आप लोग। खाने पर आपने कंट्रोल नहीं किया तो खामखा आपको इंसुलिन पर जाना पड़ेगा। देखिए मैं आपका ब्लड शुगर अभी चेक कर लेता हूं, लाइक जस्ट बी अ स्मॉल प्रिक। चल भाई उठ भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है? चलो 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 नहीं बहन जी बात कर रहे हैं, भाई टाइम बंद हो गया, क्या हो रही है? अभी जाओ, अभी जाओ, कौन है आप? डॉक्टर साहब आप? अरे आप हैं, हम लोग वहाँ जो सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, देखिए भाई साहब हमने तो उसी दिन आपसे कहा था कि पुलिस को बुला लेते हैं, बल्कि मैंने तो यहाँ भी कहा था कि गैराज चले चलते हैं, आप ही ने मना किया था कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, आप जितना भी नुकसान हो गया गाड़ी के लिए नहीं पेशेंट को लाए, इमरजेंसी केस है क्या? इमरजेंसी? इमरजेंसी? अच्छा कहाँ है, कहाँ है पेशेंट इमरजेंसी का? क्या नहीं दिया 50 पेटी? हाँ देख अगर शाम तक नहीं दिया ना तो 6 के 6 डाल देना साले के भेजे में, समझा? तो ये आपको इमरजेंसी केस दिख रहा है, हाँ? अच्छा खासा हेल्दी इंसान है, खुद चल करके आया, इसे आप इमरजेंसी कहते हैं? मतलब कंधे पे आएगा, स्ट्रेचर पे आएगा तभी इमरजेंसी होगी। जा फाड़ के गोली से टपक के आएंगे तब देखेंगे। भाई साहब मुझे आपकी ये सब नॉनसेंस जो है ये मुझे सुनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब चलिए बाहर, चलिए बाहर निकलिए अब एकदम। एक मिनट शाम को मिलते हैं, आप बाहर निकलिए, बाहर लाइन है, जब आपका नंबर आएगा तब अंदर आएगा, समझा? हाँ लाइन बीन सब क्लास क्या? इनको देखते ही सब भाग गए हैं, इनको देख करके चले गए। कौन है ये, हाँ? कौन है आप भाई साहब? आप कोई डॉन है? आप भाई हैं? आप तो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आप बाहर क्यों जाएंगे? आप तो अंदर आएंगे, आइए आइए अंदर आइए ना, आइए आप अंदर आइए। और आप आएंगे भी क्यों? आपको मुझे फोन कर देना चाहिए था, मैं आ जाता। आप रुक क्यों गए? आप चलिए, आप बिल्कुल चलिए, आप यहाँ तक चल के आइए, यहाँ आइए। और आप खड़े हो, आप बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए। नहीं मैं क्यों बैठ रहा हूँ? आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठ जा भाई, तू भी बैठ जा। जी कहिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा मतलब क्या तकलीफ क्या आपको, मैं क्या क्या हुआ क्या आपको?
डॉक्टर साहब, आप उनका एक दोस्त है, आप उनकी लाइन का है। दो दिन से सालाना वो हिलेली पार्टी हुए ले। हिलेली? बीमार। हाँ वही 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 बीमार है, बीमार। अच्छा बीमार। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप दोनों इनके साथ हैं। वांदा नहीं। बीमार, आपके लाइन के लोग भी बीमार हो जाते हैं। मेरा मतलब बीमार है आपके हाँ। दोस्त, आपके दोस्त को तकलीफ हो गई है। कुछ लोगों को तो आपको देखकर तकलीफ हो जाती है। आपके दोस्त को क्या? वैसे वैसे हुआ क्या उन्हें? डॉक्टर साहब, दो दिन पहले वो एक आइटम से टकराया, बस उसके बाद उसकी जिंदगी खलास। ये बोलना, उसको हर जगह ना वही लड़कीच नजर आती है। ए डॉक्टर साहब, सपने में भी वही छोकरी नजर आती है। आँख खोलते ही छोकरी सामने खड़े ली। जितना भी ट्राई मारो पर भागतीच नहीं है। धंधा खराब हो गया उसका। अरे ना किसी को मार सकता है, हाथ पैर नहीं तोड़ सकता, गोली नहीं चला सकता। बस 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 यार। डॉक्टर साहब, आप उनके हिसाब से तो उसकी तबीयत बहुत खराब है, बाकी आप डॉक्टर हैं, आप जाने। हाँ, वो तो मैं हूं। मैं तो हूं डॉक्टर। यू सी, देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ। ए, क्या कुछ नहीं हुआ है? वो दिन भर सो नहीं सकता, तुम बोलता है कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर, दिल धड़कता है, हाथों में लर्जिश होती है, कांपते हैं। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब नहीं था कि वे बीमार नहीं है। मेरा सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपके दोस्त हैं, उनकी शादी हो गई? नहीं, कोई लड़की? कोई लड़की बड़की का चक्कर नहीं है। अरे भाई, लंगोट का बहुत पक्का। नहीं पक्का है। भाई साहब, ये जो आपके दोस्त हैं, उनकी ये जो ये दिखने में कैसी है? अरे डॉक्टर साहब, मस्का है, मस्का मस्का है, यानी ब्यूटीफुल। नीली नीली आंखें, गोल्ड कलर का है ना उसका बाल है। डॉक्टर साहब, आप उनके हिसाब से उसने उससे खूबसूरत लड़की देखी नहीं है। देखिए, आपके दोस्त को तो एक बहुत ही खूबसूरत बीमारी हुई है। ऐसी बीमारी हुई है जिसका इंतजार हर इंसान को होता है। आपके जो इधर आइए, आपके जो दोस्त हैं, इनको जो बीमारी हुई है उसका नाम है प्यार। और एक बात बताता हूं आपको कॉन्फिडेंशियली, आपका दोस्त कोई और नहीं, आप खुद हैं। कमल के डॉक्टर हैं आप? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर भैया। बहुत अच्छे, मैं क्या हो सकता हूँ, मैं क्या अच्छा हो सकता हूँ? मैं तो बोला ना, बहुत अच्छे बोला ना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, चलता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। निकलता हूँ, ये चल। ये बहुत इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हैंडसम। सॉरी, टॉल तो भूल गया। ये बहुत टॉल है। नर्स, जरा मेरा बीपी चेक करना। मास्टर नी जी, मैं मुन्नू मोबाइल। और मैं पप्पू पेजर। जी कहिए। भाई को तुमसे बहुत प्यार हो गया, इसलिए हम तुमको उठाने के वास्ते आया है। तकलीफ माफ। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, चिल्लाने का बिल्कुल नहीं, चिल्लाएगा तो कुछ होएगा नहीं। आप भाई के पास चलो, उधर बैठ के प्यार मोहब्बत से सब सेटल करो। भाई, आपका इलाज लेके आ गए हम। बगैर तोड़े फोड़े हिफाजत के साथ लाया हूँ क्या? भाई मुबारक हो। बस 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 बस, मुबारक भाई। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक नंबर के गुंडे और बदमाश हो। ए मास्टर नहीं, खबरदार जो भाई को कुछ बोला तो। भाई, ए चांद की चांदनी, भाई को भाई मत बोल, वरना भाई को हनीमून की जगह रक्षाबंधन मनाना पड़ेगा। शट अप। अरे ऐसे गुंडे मवाली को मैं प्यार तो क्या, कभी नफरत भी ना करूं। क्या हुआ भाई, फिर से सपने में आई क्या? चाटा मारी? ये भाई, ये लड़की बहुत भारी पड़ रही है। भाई, उस टेलकम पाउडर को मैं अभी उठा के लाता हूँ। चल चल चल। नहीं यार, ये जो उठाने का काम है ना, ये अपुन का नहीं है। ये आइडिया है ना तुम लोगों का नहीं है, ये आइडिया है ना अपुन को, वो डॉक्टर ही देगा, समझा? पेशेंट को एनेस्थीसिया दिए कितनी देर हो गई? जी 3-4 मिनट हो गए। राइट, ओके।
चल भाई डॉक्टर, चलो ऑपरेशन करो, चलो चलो चलो। अरे आपको क्या था? अरे भाई बीमार मुझे पट्टी उतार भाई। अरे लेकिन ये तो ऑपरेशन थिएटर है, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? चल भाई पेशेंट उठ, तेरा ऑपरेशन खत्म। अरे भाई ये बेहोश है, ये कैसे उठेगा? डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ बेहोश है, भाई की तो जिंदगी का सवाल है, वो मर जाएगा। जिंदगी का सवाल है लेकिन इसकी जिंदगी का क्या? बोला ना एक बार, बोल दिया तो बोल दिया। चलिए चलिए मैं दरवाजा खोलता हूँ आपके लिए। तुमको काटना वाटना जो एक कर डालो। नहीं 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 डॉक्टर, अभी मेरे को कुछ नहीं सुनने का। अभी चुप, वहाँ मेरा पेशेंट ऑपरेशन टेबल पर। देखो ना वो है मुन्ना भाई, देखो। अरे मुन्ना भाई ये क्या हो रहा है? मुन्ना भाई हाँ? क्या ये मुझे काम करने देंगे आपके? नहीं अरे ये भी तो काम है ना डॉक्टर साहब। हाँ काम है काम है काम है, लेकिन तकलीफ क्या? देखिए आपने मुझे बीमारी बताई कि मुझे प्यार हो गया, हाँ, लेकिन उसका इलाज कहाँ बताया? इलाज इलाज तो बताया नहीं। देखिए देखिए ऐसा है कि जिस आदमी को प्यार हो जाता है उसका इलाज भी प्यार होता है। हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपको जिस लड़की से प्यार है उसके बारे में आपको जानते नहीं? हाँ तो जाने की कोशिश कीजिए, उसके नजदीक जाने की कोशिश कीजिए, उसे रिझाने की कोशिश कीजिए, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिए, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाने लगेंगे वैसे वैसे आपकी बीमारी भी दूर होती चली जाएगी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई भाभी को रिझाएंगे, रिझाएंगे, पटाएंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, और गाना भी गाएंगे। भाई मैं चलता, मेरा ऑपरेशन रुका हुआ है। गले लग जाओ। कमाल का डॉक्टर है यार, कमाल का डॉक्टर है यार। आपकी तबीयत ठीक हो जाएंगी ना? हाँ हो जाएगी। अरे दिल हल्का हो गया यार। आप जी, आप इधर वो आइटम लोगों को डांसिंग बिंसिंग सिखाते हैं ना? जी हाँ। आप उनको भी सिखाओ ना। आपको क्यों, आप उनको डांसिंग नहीं आएगा क्या इस उम्र में? होता है यार। भाई क्या बात, आप उनकी उम्र ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, वैसे सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। फिर? वो तो अच्छी बात है कि आपको शौक है। इसका मतलब आप अपुन को सिखाएगी? हाँ, मगर 15-20 दिन के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, उसके बाद ओके? But I like your spirit. ए भाई, भाई। दूध की मलाई तेरे गाल पे हाथ लगाई। ए भाई आज गाल को छुआ है, कल होठ को छुएगी। ए मेरे को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती पर समझ में जरूर आती है, कुछ बोल रही थी आई लाइक यू, मतलब ये पप्पू पेजर लाइक का मतलब पसंद। भाभी मुबारक हो। भाई तो भाई, भाई, भाई। हेलो, हाँ बोल। ए मुन्ना भाई अपना चल गया चक्कर रे। ए मुन्ना भाई अपना चल गया चक्कर रे। सही है भिड़ू। ए मुन्ना मोबाइल, ए पप्पू पेजर, ए उल्लास भाई मेरा चल गया चक्कर। ए मुन्ना मोबाइल, ए पप्पू पेजर, ए उल्लास भाई मेरा चल गया चक्कर। शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है, शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है, यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है अपुन का, यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है। सही है भिड़ू, सही है भिड़ू, सही है भिड़ू, सही है भिड़ू। Stop.
tantare tak chiki tak chiki tanantaram tak chiki tak chiki tantare tak chiki tak chiki tanantaram bhai log mein vat chalta hai apna apna apun ko paana har ladki ka sapna sapna tak chiki tak chiki tantare tak chiki tak chiki tanantaram hey bhai log mein vat chalta hai apna apna अपुन को पाना हर लड़की का सपना सपना और तेरी ये जवानी दो दिन की है बस रानी अरे समझे ना तू ये दीवानी ए गुल्लू गोटिया सुन दगड़ू ढक्कन ए पकिया भाई अब तो टन टना टन ए गुल्लू गोटिया सुन दगड़ू ढक्कन ए पकिया भाई अब तो टन टना टन शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है अब उनका यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है सही है भिड़ू सही है भिड़ू सही है भिड़ू सही है भिड़ू चर्चा चर्चा मोहल्ले में हीरो का है दर्जा दर्जा हर गली हर घर में मेरा चर्चा चर्चा पन मुझको जो ललचाए पल पल दिल को तड़पाए वो हटके है तेरी अदाएं ए रैम्बो राइफल सुन हनीफ हटेले ए गफूर भाई अब तो होंगे फेरे ए रैम्बो राइफल सुन हनी फटेले ए गफूर भाई अब तो होंगे फेरे शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है शाम सवेरे दिल में मेरे लव का कीड़ा है यही है वो यही है वो यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है अब उनका यही है वो बुलबुल जिससे टाका भिड़ा है सही है भिड़ू सही है भिड़ू सही है भिड़ू सही है भिड़ू ए मुन्ना मोबाइल ए पप्पू पेजर ए उल्लास भाई मेरा चल गया चक्कर ए पक्या भाई ए मुन्ना उल्लास भाई ए ढक्कन दगड़ू भाई ए हटेले हनीफ भाई भाई रैम्बो ए गफूर भाई अपना तो चक्कर चल गया आप खड़े क्यों यहाँ आइए बैठिए बैठिए आइए बैठिए तो कहिए मुन्ना भाई लड़की मिली डॉक्टर साहब मिली अच्छा बरोबर मिली काल पे हाथ भी लगा अपुन का तो ब्लड ही जम गया लेकिन वो बोली कि वो 10-15 दिन के लिए बाहर जा रही है अपुन तो बोल ही नहीं पाया कोई बात नहीं वो बाहर गई है तो वापस भी आ जाएगी
क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरा क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा? देखिए देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पेशेंट्स को कौन देखेगा? वही सच मेरा है, वही सच मेरा काम है, मारना, धमकाना, हाथ पैर तोड़ना, गोली मारना। लेकिन आजकल ना मैं धमका पा रहा हूं ना मैं गोली मार पा रहा हूं। अरे पहले ना डॉक्टर साहब आग बंद करके गोली चलाता था, अभी अभी आग खोल के भी गोली चलाता हूं तो जगह पे लगती ही नहीं। ये देखिए हाथ कांप रहे मेरे। हाँ वो तो हिल रहा है, देख रहा हूँ मैं आपको गोली मारूंगा, लगेगी। अरे अरे नहीं, मुझे क्यों गोली मार गए आप? नहीं देख, अरे देखिए ना, देखिए तो, अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, देख तो लो यार। अरे पहले आठ 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 हाँ, ये निशाना तो एकदम चूक गया आपका, ये रिवॉल्वर नीचे कीजिए, एकदम नीचे कर दीजिए। हाँ देखिए मुन्ना भाई, ये लड़की से मिलने आप ये रिवॉल्वर लेकर के गए थे? हाँ तो मिल चुकी लड़की। भाई साहब लड़की से मिलने रिवॉल्वर लेकर के नहीं, फूल लेकर के जाते हैं। फूल, ये, फूल फूल। आप ये रिवॉल्वर यहां रख दीजिए। हाँ। बिल्कुल यहां यहां रख दीजिए, ये लीजिए, बस एक ही है कि और हाँ अच्छा मत हाँ यार यहां बस दो दो ना, इधर उधर कहीं एक और ढूंढ लीजिए। अच्छा हाँ वो अभी यहाँ रख दीजिए, एक दो तीन, तीन तीन ही है ना? एक मिनट एक अच्छा वो हाँ ना ना यहीं रख दीजिए, हाँ यहीं रख दीजिए, बस बस। देखिए ये फूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये फूल लीजिए, लड़की के पास जाइए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कीजिए, डॉक्टर इंसानों की तरह बात कीजिए। डॉक्टर साहब उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ कुछ भी, लेकिन आप बताइए वो लड़की मुझे मिलेगी ना? मिलेगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी हाँ जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर जी। बात मैं जाऊँ? हाँ जी जाओ, हाँ नमस्कार, जाता हूँ। अच्छा बिल्कुल नमस्कार। वन टू थ्री फोर ठीक है। हेलो कहाँ है तू? मैं डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हूँ, लेकिन मुन्ना भी अंदर ही है। आज वो बचना नहीं चाहिए, खत्म कर डाल साले को। देखना उसके मरने के पहले उसको पता चल जाना चाहिए कि पिल्ला ही नंबर वाया उसे। ठीक ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा भैया, लगता वो आ रहा है। ऑल द बेस्ट। मिल जाए। ए मुन्ना बहुत बड़ा दादा समझता है ये, ए आज तू सुनेगा, मेरे भाई पिल्ले को मारेगा, हमारा बिजनेस छीनेगा, तू हमारी प्रॉपर्टी को छीनकर जानू चाचा के बच्चों के नाम करेगा। अरे भाई साहब शूटिंग हो रही है यार, कैमरा कहाँ, हीरो कौन है? अबे चल फुट, यहाँ असली शूटिंग हो रही है। अरे भाई साहब असली शूटिंग ऐसे खुलेआम थोड़ी होती है, वैसे आप टीवी सीरियल के एक्टर हैं कि फिल्मों के? अरे भाई साले ने तो थोड़ी बात नहीं, ये तो असली शूटिंग है जो आजकल अखबारों में पढ़ता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। डॉक्टर साहब मिलेगी ना? मुझे मुझे नहीं मालूम था भाई कि अरे अरे अरे, अरे, अरे तेरी वजह से मुन्ना मेरे हाथ से निकल गया, मारूंगा एक। अरे ये आपकी है? हाँ हाँ ये असली है कि खिलौना? असली है भाई, इसमें गोली भी है। मैं कैसे मानूं, मैं तो चला के देखूंगा, अगर आपको लगी तो असली है वरना। अरे चलाना नहीं। अरे भाई साहब आपकी गलती है, असली है। होल द बॉल लाइक दिस, ओके राइट, टर्न अराउंड नाउ। अच्छा ओके ये चलो चलो, ये खाना पीना बंद करो और ये मोटी मोटी गोलियां भी खेलना बंद करो। चलो चलो क्या हो रहा है यार? सुन भाई मुन्ना भाई इधर आया तो? जहाँ मुन्ना भाई आता है वहाँ कोई नहीं रहता है। कोई नहीं जाएगा, बैठो। क्या बोला तू, दिमाग सटक गया ना क्या? ए, रहने दे सबको। अरे यार तुम इज्जत से बात कर मुन्ना भाई से। ये मुन्ना भाई? हाँ यही मुन्ना भाई है, सबके भाई याद रखना। राजा कल तेरी वजह से मेरी जान बच गई, तेरा एहसान मुझ पर है समझा? है ना एहसान, मानते हो? और देखो तुम्हारे आदमी कैसे धमका रहे मुझे। दूंगा एक, मांग क्या मांगता है? जान मैंने बचाई और मांगू भी मैं,
अरे मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो बड़ा कौन हुआ? अरे भाई मेरा ना कोई आगे है ना पीछे है, क्लब में बच्चों को खिलाता हूँ साथ में खुद भी खेल लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। भाई को रिवॉल्वर दिखा रहा है? अबे दिखा नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये उसका जिसने कल आपको मारने की कोशिश की। हट, किसी ने कंप्लेन कर दी तो मैं फंस जाऊंगा इल्लीगल हथियार के चक्कर में। ये रख, ठीक है जब भी अपुन की जरूरत पड़ेगी ना तो मुन्ना भाई को याद कर लेना। ठीक है भाई। चल भाई। हा? आप बोलो तो मोटी गोली का खेल खेल के आऊं क्या? क्या बोलता है ये यार, खेल ले मजे ले ले। ए, हमको भी सिखा ना, नाजुक छोकरियों को सिखाता है, हमको भी सिखा। ए बहुत मोटी है ये तो यार। चलो। या, that's my order, okay? भाई देखो कौन आया है। कमिश्नर साहब। सलाम कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब क्या नसीब वाले आप, मुन्ना भाई आपको सलाम कर रहे हैं। वरना मुन्ना भाई को आखा शहर 10 बार सलाम करता है। 10 बार। मुन्ना बहुत घमंड है तुझे अपनी ताकत पर। अरे कमिश्नर साहब आपको अपनी वर्दी पे घमंड है, मुझे मेरे ताकत पे घमंड है। हिसाब बरोबर। शायद तुम्हें कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है मुन्ना। कानून भाई ये नाम कहीं सुना सुना लगता है ना। हाँ सुना क्यों नहीं भाई, है क्या है क्या? तेरे को लगता है वो ना वो हाथ में तराजू, छोकरी के हाथ में तराजू है ना। अरे रे रे रे, वो जो छोकरी जिसके आंखों में पट्टी है हाथ में तराजू है। अंधा कानून साहब। पूर्णचंद्र राव की फिल्म थी ना अंधा कानून। अमिताभ बच्चन वाली ना। अंधा कानून। कानून अंधा नहीं होता है मुन्ना, अंधे तो तुम जैसे लोग होते हैं जो कानून को देख नहीं पाते, जो अपनी ताकत के नशे में चूर शहर में जुर्म और क्राइम फैलाते हैं। जुर्म मैं करता हूँ, क्राइम मैं करता हूँ। ये लीजिए कमिश्नर साहब, लगा दीजिए हथकड़ी, ले जाइए मुझे अदालत में। सबूत कहाँ है कमिश्नर साहब? सबूत लाइए ना। सबूत है ही नहीं ना। कितने कमिश्नर आए और गए, लेकिन मुन्ना भाई है ना, माइलस्टोन की तरह उधर ही खड़ा है कमिश्नर साहब। लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाऊंगा। कमिश्नर साहब, जिस दिन आप मुन्ना भाई के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे कर लाएंगे ना, मुन्ना भाई खुद आपके पास आ जाएंगे। जुबान डर जाओ, डर जाओ। हेलो डॉक्टर रस्तोगी। हाँ जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा सर आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, आप कमाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी बहन आपसे भी ज्यादा कमाल है। hey, कौन हो तुम? सर आपका होने वाला जीजा। जान से मार दूंगा तुझे। अपनी बहन को विधवा करेगा? शट अप। भैया मैं क्लासेस को जा रही हूँ। हाँ तुम अब यूं ही डॉक्टर साहब से मिलने चला आया? बदतमीज, कहाँ से मिल जाता है इन लोगों का नंबर। कमबख्त। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे पता नहीं कौन है कोमल को लेकर के फोन पर उल्टी सीधी बातें करता रहता है ये नालायक। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर साहब। क्यों? मुझे बताया तक नहीं, आप मुझे पराया समझते हैं। अरे मैंने कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो, है ना? एक लड़का आपको परेशान कर रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बचपन से मेरा है ही कौन, जब भी सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया मुझे हुआ है उसका फ्री इलाज किया आपने। अरे मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, राजा उसे 2 मिनट में ठीक कर देगा। क्यों? Excuse me? अगर उसका फोन हो तो मेरी बात कराइएगा। राजा तुम भैया को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मेरे साले इतना हक तो बनता है। हेलो, तो आप लोगों से मेरी शिकायतें करते फिरते हैं? तुम फिर? ए, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त तेरी बहन क्लासेस जा रही है, इस बार उसे उठा के साथ फेरे लेके सीधा आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। गोली मार दूंगा तुझे, गोली मार दूंगा तुझे। मुझे दीजिए। हेलो कौन है बे? मैं राजा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ क्या हुआ? वो कोमल को उठाने की बात कर रहा था। अरे बाप रे, आप घबराइए नहीं, कोमल को क्लासेस छोड़ने मैं ही जाऊंगा और लेने भी मैं ही जाऊंगा। गुड आइडिया भैया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे भाई कैसे फिक्र ना करें, कौन है ये? अंडरवर्ल्ड का डॉन है, गुंडा मवाली है, मुझे तो भाई बड़ी घबराहट हो रही है। ये लीजिए मैं हूं ना, आप घबराइए नहीं। चलो कोमल, बाय भैया। देखो कोमल,
सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे। ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे। लेना है तो हाथ अपना दे दे। वो सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे। तब मेरे तब 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 सपना इतना महंगा है तो एक कंगना दे दे। सपना इतना महंगा है तो एक कंगना दे दे। कंगना लेना है तो हाथ अपना दे दे। ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे। अपना दे दे। तब मेरे तब 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 सपना इतना महंगा है तो एक कंगना दे दे। सपना इतना महंगा है तो एक कंगना दे दे। कंगना लेना है तो हाथ अपना दे दे। वो सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे। का फूल है जो वो फूल नहीं खिलता। क्या मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। कागज का फूल है जो वो फूल नहीं खिलता। क्या मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। ओ हर चीज का है एक मोल। ये प्यार तो है अनमोल। हर चीज का है एक मोल। ये प्यार तो है अनमोल। तो फिर तो फिर तो फिर तो फिर ये बात है तो सपना क्या सब कुछ अपना ले ले। ओ सपनों के सौदागर एक सपना दे दे। सपना लेना है तो दिल अपना दे दे।
तो तुम डॉक्टर साहब के साथ मलेशिया जा रही हो? हाँ, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी ठीक करता हूँ। फिर शुरू हो गए? हेलो डॉक्टर साहब। तुम? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और आप बहुत बड़े कमीने हैं। अपने होने वाले बहनोई को गाली देते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आप मेरी होने वाली बीवी को लेकर मलेशिया जा रहे हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ? चलो आपने इतना तो माना कि कोमल मेरी होने वाली बीवी है। नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं माना। देखो मेरी बात सुनो, ये बेवकूफी तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पर। वैसे आपके पीछे पीछे मैं भी मलेशिया आ रहा हूँ, वहीं कोमल से शादी करूंगा। मेरे पीछे आ रहे हो? चुप। अब देखो तुम्हारे भैया मुझे मलेशिया कैसे लेके जाते हैं। चले। अब क्या बात है डॉक्टर साहब? बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भाई साहब मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये जो फोन वाला गुंडा है, इसे हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता चल जाता है? बहुत ही डेंजरस किस्म का आदमी है ये। पता चल गया इसको कि हम मलेशिया जा रहे हैं। ऐसे आशिक बड़े खतरनाक होते हैं। डर पिक्चर देखी आपने? खून भी कर डालते हैं। क्या बात कर रहे हो? आप एक काम कीजिए, कोमल को यहीं छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं अकेली हूँ तो कुछ भी कर सकता है। बताइए डॉक्टर साहब, आप समझते नहीं है। आप ठहरे शरीफ आदमी, मलेशिया में आपके सामने आ गया तो आप किसी को साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन किसे? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि मैं साथ चलूं? मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, हमारे लिए अपना काम क्यों छोड़ेंगे, जाने दीजिए इसे। अरे नहीं, कैसे जाने दे। देखिए भाई साहब, आप हमारे साथ आएंगे तो हमारा थोड़ा मॉरल करेज बढ़ेगा, दिलासा मिलेगी हमें, और फिर मलेशिया की सैर भी आप कर लेंगे। अच्छा, मेरा पासपोर्ट। धन्यवाद। कुम, डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी गया, वहां पता चला कि आप बाहर जा रहे हो। हाँ, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं लौट कर आऊंगा तो आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब वहां का नंबर, वहां का पता बताते जाइए, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो। देखिए इस शहर में 500 डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाइए। मैं 15-20 दिन के लिए सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मलेशिया, मलेशिया जा रहा हूँ मैं। मलेशिया में कुआलालंपुर, गोल्डन पैलेस होटल, 48 स्ट्रीट, फोन नंबर 212-383-738, फैक्स नंबर 212-383-727, रूम नंबर मुझे वहां जाकर के पता चलेगा, और यहाँ का मोबाइल जो है वो वहां काम करता है। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। मेरे साथ देखो क्या सुंदर, वाह दिस इज ब्यूटीफुल। वेलकम सर, वेलकम मैम। ये रहा रिसेप्शन। Good afternoon, sir. Hello, good afternoon. Dr. Rastogi, you have a reservation for me? Yes, sir, sure. Yes, one suite and one single. Yes, sir. Thank single you. Room? आप लोग सिंगल रूम में कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, सिंगल में आप रहेंगे, हमारे लिए स्वीट। गुड बाय। अरे अरे कहाँ चले? वापस इंडिया। क्यों, ये होटल आपको पसंद नहीं आया? होटल नहीं, कमरा। आप स्वीट में रहेंगे और मैं सिंगल रूम में। नौकर हूँ मैं, आपकी मदद के लिए आया हूँ, इनकी खातिर, इनका बॉडीगार्ड बनके मैं चला। अरे अरे, अरे, अरे अभी ठीक किया देते हमें। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेक दैट टू स्वीट्स। यस, वन फॉर हिम, वन फॉर मी। ओके सर। वाह डॉक्टर साहब, फ्री की ऐश करा दी। उनको थैंक यू बोलता हूँ। दिस इज अ फाइन रूम। हेलो डॉक्टर रस्तोगी स्पीकिंग। क्यों बे डॉक्टर, पहुंच गया मलेशिया। तुम यहां कैसे आ गए? जैसे तू आया है, सुना है अपने साथ कोई बॉडीगार्ड भी लाया है। ऐसे 10 बॉडीगार्ड भी रख लेगा ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरी बहन से यहीं शादी करूंगा। क्या हुआ भैया, वो यहाँ भी आ गया? हाँ यहाँ भी आ गया, और इतनी जल्दी उसे होटल का नाम भी पता चल गया और कमरे का नाम। ये देखो फिर आ गया। अरे हेलो, तुम क्या समझते हो मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूंगा? डॉक्टर रस्तोगी बोल रहे हैं ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ, और तू अगर सामने दिखाना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। देखो रिश्ता लेकर तुम आए थे, मैं नहीं आया था। अरे कौन डॉक्टर डीडी? यस
अरे भाई साहब आई एम वेरी सॉरी, देखिए माफ कर दीजिए, वो क्या है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, परेशान कर रहा था कोई टेलीफोन पर, आई एम वेरी सॉरी। अरे पर यार तुम्हें कौन जानता है? जानता तो कोई नहीं, लेकिन मैं शाम को समझाता हूँ ना आपको, कोमल और हम आ रहे हैं ना आपके यहाँ, तो बताएंगे आपको जी। वो भी क्या दिन थे, हॉस्टल में इकट्ठे पढ़े, MBBS किया, अब तुम वहां और मैं यहाँ, और बरसों की दोस्ती जो है वो अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। एक बात बताइए भाई साहब, कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? कर लेते तो आपके भी बच्चे होते। ये है ना कोमल, ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बच्ची है ये। भैया के लायक कोई लड़की देखी हो तो पहले इनकी शादी करवा दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये हमारी कोई उम्र है शादी करने की? अरे 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 अजीब बात करते हो तुम। अरे यार तुम भड़कते बहुत हो। अरे आज तुम फोन पे भी भड़क रहे थे। अरे हाँ वो फोन वाली बात क्या थी? अरे हाँ भाई, तुम तो जानते हो कि हिंदुस्तान के लड़के कैसे, मेरा मतलब कहा जाना चाहिए कि मुंबई के आशिक जो हैं वो कैसे होते हैं। एक ऐसा आशिक है वो हमारी कोमल को फोन करके तंग करता रहता है। तुम्हारा जब फोन आया तो मैंने सोचा उसका फोन आ गया। तुम भी कमाल करते हो, क्या बताएं। अरे भला उसका फोन यहाँ कैसे आ सकता है? अच्छा भाई तुमने इनकी इंट्रोडक्शन नहीं दी। ये मैं राजा हूँ, इनका और कोमल का बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? भाई तुम तो मुंबई का माहौल जानते हो, आजकल मैंने सोचा एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं, लड़का अच्छा है और अपने मोहल्ले का है, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मलेशिया की सैर भी हो जाए। ट्राय नो, थैंक यू, ओके ट्राय। आप लोग मुझे बहुत सीधे साधे लगते हैं, और खासकर आप तो बहुत ही अच्छे हैं। ओ थैंक यू। सोचता हूँ बता ही दूँ क्या, आप लोग ये शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं। मुंबई के एक डॉन का दिल आ गया है कोमल पे, और उसने डॉक्टर साहब से कहा है कि अगर इसकी शादी कहीं और की गई तो दूल्हे को क्या बात है बेटा? मामा वो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड वो देखो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे क्या बता दिया? पापा उसने मुझे ये बताया कि मुंबई में एक डॉन है जिसका दिल कोमल पर आया है, और उसने उसने ये कहा है कि जो भी कोमल से शादी करेगा वो उसे। अरे डॉन इंडिया में है, मलेशिया में थोड़ी है। और फिर बेटे लड़की को देख कितनी खूबसूरत है, तुझे ऐसी लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी? या ब्यूटीफुल प्रिटी कूल। क्यों भाई साहब क्या डिस्कशन चल रही है, ये दहेज वेज की बात तो नहीं हो रही है कहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, आपकी बहन तो इतनी सुंदर है कि दहेज तो हमें देना चाहिए। ऐसे करते हैं, दो तीन दिनों में कुछ खास खास लोगों को बुलाकर मंगनी की रस्म पूरी कर देते हैं। क्यों भाई, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। क्या हुआ? पापा ने कहा है कि डॉन मलेशिया नहीं आएगा। कूल चिल। डॉन कहीं भी आ जा सकता है, हो सकता है इस वक्त वो मलेशिया में हो। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? भाई भी है नीचे वेट कर रहे ले हैं। ये गाउन पहनो और चलो। हाँ चलो पहनो, जल्दी जल्दी पहनो। हाँ पहनो। अरे जल्दी पहनो। हाँ जल्दी पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी। अरे जीना हराम कर दिया आपने हमारा मुन्ना भाई, कम से कम यहाँ तो सुकून से रहने दो यार। अरे डॉक्टर साहब आपको अपनी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बोलना। अरे आप उनके भाई की रातों की नींद हराम हो रही है और आप आराम से सो रहे ले। भाई उस लड़की के लिए ऐसे तड़प रहा है जैसे बिन पानी के मछली। डॉक्टर साहब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, वो लड़की अगर मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप जब मुझे नहीं मिलते ना तो बेचैन हो जाता हूं मैं, लेकिन जब आप मिलते हैं ना तो दिल को सुकून मिलता है। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी तो जो है सो है, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, मुझे तो चांस रहने दो। ए डॉक्टर कैसे डॉक्टर हो, पेशेंट से कोई ऐसे बात करता है क्या? डॉक्टर साहब डॉक्टर का काम है पेशेंट का ख्याल रखना, आज के बाद आपका कोई पेशेंट नहीं, एक ही पेशेंट है मुन्ना भाई। जितना आप एक महीने में कमाते हैं ना उतना मैं आपको एक दिन में दे दूंगा। ए पप्पू आज का 5 पेटी दे दे, पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप मुन्ना भाई, लेकिन हाँ ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मुझसे भी अच्छे, यहाँ आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। नहीं डॉक्टर अब उनको सिर्फ तुम ही मांगता है, लड़की भी वही डॉक्टर भी वही, तीसरा कोई मांगता ही नहीं। अच्छा मान लो
मान लो कि मुझसे तुम्हारा इलाज नहीं होता तो क्या? मैं नहीं करता तुम्हारा इलाज। लड़की को तो तुम हासिल नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने चले आते हो यार। डॉक्टर साहब, अपन उस लड़की को प्यार करता है, वरना उसको कब का उठा के लेके जाता। अरे आपको अपन की लाइफ के बारे में क्या मालूम है डॉक्टर साहब? बचपन से अपन ने लोगों की गाली खाई, डांट खाया, मार खाया। जब बड़ा हुआ तो अपन ने लोगों को डालना शुरू किया। डॉक्टर साहब, जब से वो लड़की अपन की लाइफ में आई ना, उसने पूरी लाइफ चेंज कर डाली। प्यार क्या होता है वो उसने अपन को सिखाया डॉक्टर साहब। अगर वो लड़की अपन को नहीं मिली ना डॉक्टर साहब, अपन साला मर जाएगा डॉक्टर साहब, मर जाएगा, मर जाएगा डॉक्टर साहब, मर जाएगा। मुन्ना भाई, अपन को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये मर जाएगा तो मैं भी मर जाएगा। कोमल, राजा, क्या हुआ? कहीं वो तो नहीं आ गया? नहीं, वो नहीं आया। कोमल चली गई। कहाँ? हाँ, पता नहीं कहाँ गई है, कमरे में नहीं है। आधी रात को कहाँ जा सकती है? हाँ यही तो, मैं जब कमरा छोड़कर गया था तो वो वहीं सो रही थी, जब वापस आया तो थी नहीं। आधी रात को आप कहाँ गए थे? अच्छा, अब समझा डॉक्टर साहब। नहीं, जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ तो फिर कहीं वो तो नहीं ले गया? वो फोन वाला? वो, अरे यार शुभ बोलो प्लीज, चलो मेरे घर के कहीं उसे ढूंढते, चलो आ जाओ मेरे साथ। शी इज हियर, ये तो यहाँ है। बड़ी मुश्किल से सुना है। क्यों? अपने आप को अकेला पाकर डर गई थी, रो रही थी, कांप रही थी। अभी इसे यहां सोने दो, सुबह भेज दूंगा। थैंक गॉड, ध्यान रखना इसका। हाँ, इसलिए तो आया हूं। है? मेरा मतलब है कि जितनी आपको फिक्र है उतनी मुझे। गुड नाइट। करवट बदल ली। मोहब्बत जाग उठी है, जाग उठी है, जाग उठी है। जमाना सो रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है, नींद जा रही। ये क्या हो रहा है? प्यार, हाय, प्यार हो रहा है। दिलों में आग लगी है। ज़माना सो रहा है। सोने दो ज़माने को, सोने दो। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है। प्यार हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? शराब सी मस्ती अचाल में, देख न ले कोई हमें इस हाल में। ओए, प्यार में शराब सी मस्ती है चाल में,
देख तो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है। प्यार 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 हो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आए ये क्या हो रहा है? तेरे मेरे बीच का भेद न खोल दे, कोई जाके कुछ मेरे भैया से न बोल दे। ओ तेरे मेरे बीच का भेद न खोल दे, कोई जाके कुछ मेरे भैया से न बोल दे। भैया बोल तो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? आए कुछ नहीं प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है। प्यार 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 हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? प्यार हो रहा है? क्या हो रहा है? मोहब्बत जाग उठी है, जाग उठी है, जाग उठी है। जमाना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। दिलों में आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। जमाना सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? हाँ पिल्लाई। ए किधर है? अपन मलेशिया पहुंच गए ला है। अभी अपन वो होटल में जाएगा जहाँ पर मुन्ना ठहरे रहा है। वो सब मैंने। अरे तू फिकर मत कर, कल तक मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहेगा, समझा? चल। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी स्पीकिंग। डॉक्टर, अपनी बहन की मांगनी कैंसिल कर दे। तू लड़का देखने गया था, शादी की बात करने गया था, मंगनी करेगा? ये बात तुझे कैसे पता चली? कौन बताता है तुझे? क्या हुआ भैया, फिर उसी का फोन है? मैं इसकी बात जो है राजा से कराता हूँ, वही इसको निपटा। भैया मैं उसे जाके बुलाती हूँ। नहीं, टाइम नहीं है, मैं इसे बातों में उलझा कर राजा के कमरे में चला जाता हूँ। हाँ हेलो भैया। हाँ। अरे ये मंगनी हो के रही, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत कुछ कर सकता हूँ डॉक्टर, मैं तेरी बहन से शादी करके उसे ले जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। गंदी बात डॉक्टर, अपने होने वाली बहनोई को गाली देना बुरी बात है। बुरा तो अब तेरा होगा बच्चे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे पीछे खड़ा है डॉक्टर? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा। डॉक्टर साहब आप? जी हाँ मैं। कमीने,
ये तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि तुमसे बात करवा दूं तो सच्चाई का पता चला, वरना मुझे तो पता नहीं चलता कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। राजा तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के साथ इतना गंदा मजाक करते हुए? चलो कान पकड़ के माफी मांग लो भैया। अरे ये अगर अपनी गर्दन भी कटवा ले तो भी मैं इसे माफ ना करूं। डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए। माफ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ कर दूंगा। निकल जाओ यहाँ से, ना तो मैं तुम्हारे इस कमरे का बिल भरने वाला हूँ, ना ही वापसी का किराया। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और ना ही इस मंगनी के आसपास नजर आना। नाउ गेट आउट, गेट आउट, निकल जाओ एकदम इधर से। चलो चलो बाहर निकलो। कैसे लोगों के साथ तुमने अपना पाला पाल रखा है? तुम तो जानते हो दीदी, माँ बाबूजी का जब देहांत हुआ तो कोमल इतनी सी थी, छोटी सी कोमल सी, मैंने उसका नाम भी कोमल इसीलिए रखा। बहुत ही प्यार से उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसे किसी तरह का। देखो तुम क्या समझते हो, मैं उसे झाड़ू कटका करवाऊंगा, उसे दहेज मांगूंगा या उसके ऊपर घास ले डाल के उसे जला दूंगा? अरे तुमने तो उसे सिर्फ पाला है, मैं उसे बेटी बना कर रखूंगा। थैंक यू सो मच। अरे पर वो है कहाँ? कोमल तो कोमल कर दी ना गड़बड़, कब से कह रही थी कि भैया को सब कुछ बता दो। घबराओ नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। क्या नहीं बिगड़ा, मेहमान भी आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद मेरी मंगनी भी होने वाली है। होने वाली है, हुई तो नहीं ना, मंगनी की अंगूठी मैं ही पहनाऊंगा। अरे कोमल बेटी तुम यहाँ हो, जल्दी चलो, सब तुम्हें देखने के लिए बेताब है। सबसे ज्यादा मैं। हाँ हाँ नाइस, चलो ना। ए भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मुन्नू भाई के चेहरे पे टेंशन ऐसे दिख रही जैसे इंडिया में उस लड़की को देख के होती है। देख वो लड़की फिर दिखी क्या? नीचू ए मुन्नू भाई की तबीयत फिर से खराब हो रही है भाई। कर मत कर, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाता हूं। तुझे जाने में बहुत देर लगेगी भाई। आप इधर बैठो भाई, बैठो। हाथ इधर नहीं भाई, इधर भी नहीं भाई साहब। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, परदेश में आकर के जब देशवासियों से मुलाकात होती है तो और भी आनंद आता है। अरे सुनिए, देखिए भाई साहब, एक मिनट क्या है? लो भाई पानी बोलो तो ग्लूकोस बोलो तो आराम। अबे ग्लूकोस से आराम नहीं मिलेगा, डॉक्टर से मिलेगा। वो मुन्नू आया नहीं, तू डॉक्टर को लेके आ। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपके टेंशन से मेरे को टेंशन हो रही है, इसलिए ग्लूकोस मेरे को पीना पड़ेगा। ठीक है, दरवाजा बंद करके जाता हूँ, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। भाई हाथ हटाओ, भाई उधर से हाथ हटाओ प्लीज। डॉक्टर, अरे हेलो, वेलकम, आइए। यू कम भाई? हाँ भाई भी आएंगे, पहले आप तो आइए ना। भाई आ गया, तेरे को ड्रिंक लेके, ड्रिंक या शॉपिंग लेना चाहेंगे? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। नहीं आप शॉपिंग तो लीजिए। अरे भाई बेटा बोला नहीं चाहिए, इधर आओ, इधर आओ जल्दी आओ, आपको एक ड्रिंक पिलाओ। एक्सक्यूज मी सर, हाय हेलो, ड्रिंक फॉर यू। मैं बोला क्या? नो, नहीं बोला ना तो फूट। ओके, भाव नहीं दे रहा मेरे को। हेलो हेलो, क्या कर रही है आपके पास? स्कॉच डॉक्टर। अरे नहीं भाई साहब, देखिए हम आपको अभी जाने नहीं देंगे। देखो जब तक मंगनी की रसम पूरी नहीं हो जाती हम आपको जाने नहीं देंगे। छोड़ो मेरे साथ चलो, थोड़ी सी देर बाकी है, अभी शुरू होने वाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए मंगनी की रसम शुरू होने जा रही है। कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी। मेरे हल्का आइए भाई साहब, आइए आइए, आओ कोमल, अभी जी आइए, आओ बबलू, ये कोमल, कोमल ये बबलू, हैं? हेलो, हाँ बस हो गया, हो गया। भाभी जी अंगूठी लाइए, यहाँ ये अंगूठी तुम्हारी है,
नहीं भाई साहब, ये अंगूठी बबलू की है। अरे अच्छा, सॉरी सॉरी, ये बबलू की अंगूठी है, ये है कोमल की अंगूठी। ये लो कोमल, इसको पकड़ो और इसको पहले तुम पहले पहनाना है, उसके बाद बबलू तुम पहनाना। ठीक है, अपना हाथ दिखाओ, तुम अपना हाथ दिखाओ। हां चलो चलो कोमल, ये अंगूठी डाल दो। अरे शर्मा नहीं भाई, क्या कर रहे हो तुम? हां ये क्या हुआ? What is this? भाई के कमरे से गिरा है भाई, लफड़ा है। अरे ये तो, ओ समझ गया मैं। I will see you just now, sir. One minute, excuse me. अरे रस्तोगी, कौन? कौन? तुम यहां भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? जहां जाते हो गलत काम करते हो, खून खराबा होता है, लाशें गिरती हैं। तो देखो, अगर भाई उसको नहीं टपकाता ना, तो वो भाई को टपका देता क्या? अरे बहुत अच्छा होता अगर टपका देता, कम से कम मेरा पीछा तो छूटता। क्या कहा आपने? अगर मैं मर जाता तो आपको अच्छा लगता, खुशी होती आपको? हाँ हाँ हाँ, जीना हराम कर दिया तुमने हमारा। जब से तुमसे मुलाकात हुई है, मुसीबत की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। दिमाग का सुकून चला गया है मेरा। आपको अपनी सुकून की पड़ी है, मेरी चिंता ही नहीं है आपको। क्यों चिंता होगी भाई साहब, क्यों चिंता होगी? आप हमारे लगते क्या है? हमारा आपका रिश्ता क्या है? बहुत बड़े भाई होंगे आप, मेरे भाई तो नहीं है ना आप। भेजे में बहुत लावा फूट रेला है, ग्लूकोज पियो, ठंडक पहुंचेगी। ठीक है लाओ। माना भाई आपका भाई नहीं है, लेकिन पेशेंट तो है। थैंक यू, आपको सुकून वापस आया। देखिए मुन्ना भाई, डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ क्लिनिक तक होता है, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसका मेरे पास भाई साहब कोई इलाज नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ आप ही के पास है। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बहुत परेशान हूं, हर जगह वही दिखाई देती है। बालकनी में खड़ा था तो नीचे दिखाई दी, सोते जागते बैठते उठते वही दिखाई देती है डॉक्टर साहब। ये देखिए, ऐसा लग रहा है वही आ रही। देखिए देखिए। अरे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही? तू जा जा जा। भैया हाँ वो मेरी है, तू जाना तू जा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, तुमने कैसे जानती हो? जी भैया, मैं इनसे मिल चुकी हूँ। मैंने डांस क्लासेस में आए थे। तुम मिल क्यों? तू जा भैया। लेकिन ये आप साथ क्या कर रहे हैं? आप जल्दी नीचे आइएगा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ अभी। आ ये आपकी बहन है? हाँ वो मेरी छोटी सी बहन है। मेरे से भी हाथ मिला हुआ है का भाई। डॉक्टर साहब यही वो लड़की बीमारी। अरे मुबारक हो मुबारक हो। मैंने कहा था ना आपको कि बीमारी आप ही दिखाएंगे और इलाज आप ही के पास होगा। करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब। अरे मेरे साले, मैं तेरा जीजा, तू मेरा साला। अच्छा टेंशन खा। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब को क्या हो गया यार? भाई मेरे को लगता है बहन का घर बसने की खुशी में बेहोश हो गया है। डॉक्टर साहब इंटरवल हो गया है। अरे बबलू, सारे मेहमान तो चले गए, तुम यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो सब चले गए तो जाने दो ना। चलो ना, अब ये सगाई की रस्म पूरी करते हैं। तुम मुझे ये अंगूठी पहना दो, मैं तुम्हें अंगूठी पहनाता हूँ। सगाई करेगा या? सुन, मंगनी के दिन एक लाश गिरी है, शादी के दिन 10 गिरेंगी, और सबसे पहली तेरी होगी। मेरी?
अब सोच ले, सगाई करनी है या जिंदा रहना है? नहीं, जिंदा रहना ऑफ कोर्स। चलो अंगूठी पहना दो ना। वो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो अंगूठी का क्या करूंगा मैं? मामा, मामा। मैंने कहा था ना, अंगूठी तुम्हें ही पहनाऊंगा। हाथ दो। डॉक्टर साहब, तुम फिर यहाँ आ गए? डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। अरे भैया, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दो। डॉक्टर साहब, मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ। भूल जाओ उसे, बिल्कुल भूल जाओ उसे। हमारा एक दूसरे को भूल जाना आसान नहीं है डॉक्टर साहब। हमारा एक दूसरे का क्या मतलब? कोमल भी? जी, अगर यकीन ना हो तो कोमल से पूछ लीजिए। कोमल से पूछ? हाँ भैया, लेकिन सारी गलती इसकी है। मैं आपसे छिपाकर कभी कोई काम नहीं करती ना। कब से बोल रही हूँ कि जाकर भैया से बता देते हैं, लेकिन यही कहता रहा कि जल्दी क्या है। अभी मैं नौकरी कर रहा हूँ, कोई बिजनेस वगैरह शुरू करूंगा, कुछ बन जाऊं, फिर जाके भैया से बता देते हैं। भाई साहब, आप मेरी बहन से बहुत प्यार करते हैं। जी कोमल, तुम एक मिनट यहीं रुकना, आप जरा इधर आइए। आइए आइए मेरे साथ। कितना प्यार करते हैं आप मेरी बहन से? बहुत सर। प्रॉब्लम यह है कि एक और है जो मेरी बहन से बहुत प्यार करता है। सर, उतना नहीं करता होगा जितना मैं करता हूँ। मैं तो उसकी प्यार के खातिर यहाँ तक आ गया। वो भी उसके प्यार के खातिर यहाँ आया हुआ है। कहाँ है? यहाँ इसी होटल में। कौन है? है तो मुंबई का डॉन, लेकिन काफी मशहूर है, नामी है। डॉन? हाँ। क्या नाम है? नाम आपने सुना होगा उसका, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई? हाँ, उड़ गए ना तोते। नहीं नहीं सर, तोते नहीं उड़े, बल्कि आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। कोई और होता तो उसे हटाना मुश्किल होता। मुन्ना भाई को हटाना तो एक सेकंड का काम है। मुन्ना भाई को? जी, एक सेकंड का काम। क्या रूम नंबर है? 501। मैं आता हूँ। अच्छा। गया। वेलकम मुन्ना भाई, वेलकम। देखो कमरा एकदम ठीक ठाक कर दिए ना हम। ए भाई, बिल्कुल फिट, कोई देख के बोल भी नहीं सकता कि इधर आपने किसी को टपका। दरवाजे पे खटखट, ए भाई कहीं पुलिस तो नहीं? क्या सायरन तो बजाने, फिर भी देख के आता मैं। अरे छोटे भाई। अरे राजा तू। अरे मुन्ना भाई, देखो कौन आयला है। क्या मुन्ना भाई? ए राजा, तू इंडिया से मलेशिया कैसे आया यार? जैसे आप आए भाई, तो फ्लाइट में आया है। मैं भी ट्रेन से नहीं आया। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बोल, काम क्या है? भाई आपसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ बोलना। ए राजा, अपुन ने तेरे को बोला था ना, जो भी तू मांगेगा देगा, समझा? बोलना। अरे डॉलर में भी देगा? हाँ। बोल, किसको टपकाने का है, किससे पैसा वसूली करने का है? बोलना। बोल राजा, बोल। वो जो डॉक्टर साहब की बहन है ना, कोमल, तेरी भाभी, उसे अपने दिल से निकाल दो। लेकिन क्यों यार? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। भाई के प्यार पर नजर डाली है, अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अपने लग को थैंक यू वेरी मच बोल कि तू भाई का जान बचाया, वरना भाई तेरा जान ले लेता। जो प्यार करते हैं वो जान की परवाह नहीं करते, और कोमल और मैं प्यार करते हैं। अरे मेरे होते हुए कोई कोमल को प्यार नहीं कर सकता है यार। अब उन्हें फर्स्ट टाइम प्यार किया ला यार। ये कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। भाई रो मत, भाई रो मत। कंट्रोल के यार, ठीक है कंट्रोल। ए राजा, अब पुत से अपना दिल मांग ले, दे दूंगा, लेकिन कोमल मत मांग यार। मैं मांग नहीं रहा हूं मुन्ना भाई, बता रहा हूं। ठीक है, अपुन अपने दिल को मार डालेगा, लेकिन तुझे कोमल मांगना ही पड़ेगा। लेकिन मैं मांगने नहीं आया हूं, इन्फॉर्म करने आया हूं। तुझे मांगना ही पड़ेगा। मेरा प्यार है, मैं आपसे क्यों मांगू? अगर तू नहीं मांगेगा तो तेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो कोमल मुझी को मिलेगी। अगर मेरा इरादा पक्का है तो कोमल मुझी को मिलेगी। लग गई। आप दोनों के बच्चे बड़े सुंदर होंगे। सही बोल रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है और आपकी भी। ए भाई पलटो मत, भाभी आ रही है, ढुबक ढुबक करती। भाई यही मौका है, बोल दो आई लव यू। कैसे बोलूं यार,
होठ पे ताले लग जाते, भेजे में जाले लग जाते। ये देख, ये देख, ये देख ना यार। भागने दो और हिम्मत करो, हिम्मत। भाई, भाई, सांस लो। हे, आप, सॉरी बाद याद दे हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? भाई बोलो, वो बोलना यार। वो भाई की तबीयत ठीक नहीं है ना, और आपके भाई इधर है, इसलिए अपन का भाई आपके भाई से इलाज कराने के लिए इधर आए ले। What? आप भैया से इलाज करवाने ऑल द वे मलेशिया आए हैं? ऐसी क्या बीमारी है? बीमारी जी, आपको ऐसी क्या बीमारी है जी? बोलना यार। भाई को प्यार हो गया है। हा? प्यार? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती? मालूम नहीं। क्या वो लड़की को मालूम है कि आप उससे प्यार करते हैं? नहीं मालूम। क्या आपने उस लड़की को बोला है? नहीं बोला। नहीं बोलेगा कैसे, भाई को बोलते हुए घबराहट होती है ना। कमाल है, आज के जमाने में आप जैसे लोग भी हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, इसका इलाज मैं करवाऊंगी। डॉक्टर की बहन जो हूँ, आपको इस लड़की से आई लव यू कहने में डर लगता है? होंठ सूख जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये देखिए कैसे कांप रहे, देखिए। ओहो, अच्छा सोचो वो लड़की मैं ही हूँ। चलो हाथ पकड़ो, पकड़ो ना, और आई लव यू बोलो आंखों से आंखें मिलाकर। कर बोलो आई आई लव। अरे ये तो खुद ही आई लव यू बुलवा रही है। रुको रुको रुको, रुकवा मत, क्या रुकवा। बोलो, एक मिनट एक मिनट, कोमल सुनो। भैया मैं इनका इलाज कर रही हूँ। अरे डॉक्टर मैं हूँ कि तुम चलो इधर से तुम। भैया ये डॉक्टर तो हमारी वाट लगा के चला गया। क्या सीन था, भाभी बुलवा रही थी, भाई बोल रहे थे, मैं सोचा था मिलन होगा दोनों का, दोनों की शादी होगी और फिर हनीमून होएगा। भाई कहाँ गई? भाई किधर गई? चली गई कहीं? अरे अब क्या कर रही थी तुम, जानती हो वो कौन है? अरे भैया वो तो आपका पेशेंट है। पेशेंट पेशेंट कुछ नहीं, उसने मुझे पेशेंट बना दिया है। हा? और जिसका हाथ तुम अपने हाथों में लेकर आई लव यू बुलवा रही थी, जानती हो उन हाथों ने कितनी जाने ली हैं? क्या मतलब? अरे मतलब मैं बताता हूँ, जानती हो कि वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन है मुन्ना भाई। अरे 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 कहाँ जा रही हो? मैंने उसे थप्पड़ मारा। थप्पड़? वो थप्पड़ उसके गाल पे नहीं, उसके दिल पे जा लगा है। देखो जिस लड़की को वो आई लव यू कह नहीं पा रहा है और जिस लड़की से वो प्यार करता है वो लड़की तुम हो। हा? अरे फिर गई, फिर कोमल। ए भाई चेहरे पे बारह बजाने का नहीं, मुंह लटकाने का नहीं, मस्त रहने का भाई। अरे इतनी बड़ी टेंशन चल रही है और तुम लोगों को मस्ती सूझी है यार। गुस्सा नहीं भाई, गुस्सा नहीं, बहुत खुशी की बात बताने वाला हूँ मैं। क्या राजा मर गया? नहीं मरा नहीं है, पर आज रात को मर जाएगा। भाई पूरी दुनिया में अपनी बिरादरी वाले लोग मौजूद है, हमने यहाँ के लोकल भाइयों को ढूंढ निकाला और उनको $5,000 पे राजा के नाम की सुपारी भी दे डाली है। रात को राजा के कमरे में जाएंगे, बेहोश करके ले जाएंगे और उसको टपका के समंदर में फेंक डालेंगे। लेकिन तुम लोगों ने उसका रूम नंबर दिया है ना? हाँ मुंह जबानी याद है, क्या है नंबर? 501। अरे गधो ये तो मेरा रूम नंबर है। अरे भाई अंग्रेजी में जीरो इधर हो गया, एक्चुअली में 510 है। भाई अब तो खुश हो जाओ। हंसते भाई, भाई टेल पकड़ के कॉकटेल पी डालो। नहीं ऊपर से मत देना भाई, ये तू खाएगा? हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो। क्या बोलो, तुम्हारे धोखे में मुन्ना भाई को उठा कर ले गए? बेचारे मुझे उठाने आए थे, मुन्ना को उठा के ले गए। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तुमने तो कमाल कर दिया राजा। ए, वो देखो मुन्ना भाई के चंगू मंगू बेचारे कितने अनाथ लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने हमारे मुन्ना भाई को देखा है क्या? हमने हाँ। ना ना हमने नहीं देखा, कल देखा था हमने।
वो रात से ही गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। जाने वाले को भला कौन रोक सकता है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल राजा, एक मिनट तेरे से बात करने का है। यहाँ बोलो। अकेले में करनी है ना? नहीं आता। डर रहा है। ए, तेरे मुन्ना से नहीं डर रहा, तेरे से क्या डरूंगा, चल। चलना फिर। चलना फिर। बिस्कुट खा रहे ले हैं। क्या है? मुन्ना भाई किधर है? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मुझे बता के गया है। तू जानता है मुन्ना भाई कहाँ है? अरे भाई, डॉन लोगों के 10 दुश्मन होते हैं, कोई आ गया होगा हिंदुस्तान से, टपका दिया होगा। जास्ती बोलने का नहीं, टाइम आ गया है। भाई आप जिंदा है? मैं तो जिंदा हूँ बेटा, लेकिन अब तू मरेगा। अगर खैरियत चाहता है तो कोमल को भूलकर वापस इंडिया चले जा, समझा? वरना आप गोली चलाएंगे। भाई ये हिंदुस्तान नहीं, मलेशिया है। अगर आप गोली चलाएंगे तो आप भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। गोली मैं नहीं चलाऊंगा बच्चे, ये चलाएगा। तेरे को मार के मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा, फिर भाई का रास्ता एकदम साफ। मान गया भाई, अभी लगा कि किसी डॉन के सामने खड़ा हूँ। बोलिए क्या करना है? तू मुंबई जाएगा। बिल्कुल जाऊंगा, सामान भी नहीं लूंगा, पासपोर्ट जेब में। गुड। नो शरणपति। जा बेटा मुंबई जा, अगर मुंबई में दिखा ना तो हाथ पैर तोड़ के वहीं टपका दूंगा, समझा? पुलिस, पुलिस, they got a gun, he's got a gun, he's gonna kill me, he's gonna kill me, he's got a gun, don't move, please. तू तो मुझे बंबई में टपकाने वाला था, मैंने तुझे यहीं लटका दिया। भाई कम मारना, बहुत मारते हैं। चलता हूं। भाई ये साले ने तो हमको फंसा दिया, अब यहाँ के हवलदार हमको छोड़ेंगे नहीं। यार मुझे मेरी फिक्र नहीं है, फिक्र है तो प्यार की। भाई आपको आपका प्यार जरूर मिलेगा। आप घबराओ नहीं, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। भाई इससे पहले कि आपका प्यार आपसे दूर हो जाए, आप उसके पास पहुंच जाओ। क्या मतलब? भाई आपका जुर्म हम अपने सर पे ले लेंगे, आप निकल जाओ यहाँ से। क्या बात कर रहे हो? पुलिस को हम बोलेंगे कि आप हमारे साथ हो ही नहीं। नहीं जाओ भाई। नहीं भाई। भाई नहीं, देखो जिद मत करो, तुम्हें हमारी कसम है भाई। ऑफिसर एकदम टू द बॉस। लिसन लिसन ऑफिसर, वी यू टेक बट ही नॉट विद अस। दिस गन बिलोंग्स टू यू। यस इट बिलोंग्स टू हिम एंड माय सेल्फ मुन्नू मोबाइल। आई एम श्योर। यस आई एम वेरी मच श्योर, ही इज नॉट विद अस, ही इज अ नॉर्मल पैसेंजर। इज अ नॉर्मल पैसेंजर। जेंटलमैन यू कैन गो नाउ। यस नहीं। यस यस जाओ भाई। नहीं जाओ भाई, जाओ भाई, आप जाओ, आपको भाभी। नहीं यार जाओ, जाओ ना भाई, भाभी को अपने ये देवरों का सलाम बोल देना। सलाम। मेरे
बारे में क्या ख्याल है? सारे शहर में कहीं ढूंढ ले ए, मेरे सा आशिक नहीं ढूंढ ले। मुझसे तो मेरी मर्जी पूछ ले, मुझसे तो मेरी मर्जी पूछ ले। तेरा नहीं तेरा नहीं तेरा नहीं तेरा नहीं मेरी मर्जी का सवाल है। ए इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो ये लव स्टोरी कमाल है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? हाँ इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? है मेरे बारे में क्या ख्याल है? और इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते हो। हथियार रखने के जुर्म में तुमने कहा था कि मुन्ना भाई को अंदर करवा दिया, वो तो बाहर आ गया। समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब, ऊपर वाला मेरे साथ है कि मुन्ना के साथ? मुन 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 हाँ तो ऐसे अकला रहे जैसे मुन्ना आपके सामने खड़ा हो। पलट कर देख, पलट, तेरे पीछे 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 खड़ा है। यार तुम बड़े बेशरम हो, हर जगह से बच के आ जाते हो।
इस बार तू नहीं बचेगा, समझा? जो कुछ कर सकते हो इंडिया में कर सकते हो, और हम इंडिया जाएंगे नहीं देताली। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टरों की प्रैक्टिस जो है वो इंडिया से बेहतर है। एक छोटा सा क्लिनिक हम भी यहाँ खोल लेंगे। इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई है नहीं। मेरी बहन यहाँ देताली। और मैं भी तो राजा से प्यार करती हूँ। जब राजा इंडिया नहीं जाएगा तो मैं क्यों जाऊँ? डांस क्लासेस यही शुरू करूंगी। देताली, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है। मैं भी कोमल से शादी करके यही सेटल हो जाऊंगा। देताली, अरे मुन्ना भाई, देखो मुन्ना भाई, बाहर मुझे बस मुन्ना भाई, देखो मुन्ना भाई वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अरे अरे मुन्ना भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, देखो क्या कर रहा है। हट जा डॉक्टर। अरे अरे मेरे, डॉक्टर साहब समझे? नहीं, ये कह रहे हैं कि पब्लिक एरिया में फाइटिंग करना अलाउड नहीं है, तो इन्हें पासपोर्ट दो। हम चारों मुंबई जा रहे हैं। देताली, अरे डॉक्टर साहब, आप लोग कहाँ जा रहे हो? वापस मुंबई? लेकिन मैंने सुना आप यहीं सेटल होने वाले हो। आप यहाँ क्लिनिक खोलने वाले थे, आप यहाँ शादी करने वाले थे, और आप यहाँ डांस क्लासेस खोलने वाली थी। अब चलिए मुंबई, डांस माइक कराऊंगा आपको। अरे मुन्ना भाई, आपने सच समझ लिया? हम लोग तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे? लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर, मैं तुम लोगों को मुंबई में मिलूंगा। शिंदे, ये मुन्ना पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रस्तोगी के यहाँ कुछ ज्यादा ही आता जाता है। अरे यार, इलाज के लिए भी तो जा सकते हैं ना। आने जाने से ये तो साबित नहीं होता कि दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं। करेक्ट, साथ आने जाने से कुछ साबित नहीं होता, मगर साथ अगर मलेशिया जाते हैं, वहां साथ रहते हैं और साथ ही वापस आते हैं, तो इससे ये जरूर साबित होता है कि डॉक्टर और मुन्ना में ऐसा कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारे पास इसका भी कोई सबूत नहीं कि वो दोनों मलेशिया में एक साथ थे और साथ आए। ये फोटोग्राफ। बोल देना, टाइमर ठीक करते रहना। अरे भाई चल रहे, देखो। अरे राम गोपाल जी, आइए आइए। देखिए क्लिनिक बंद हो गया, आप कल सुबह आ जाइए प्लीज। नहीं नहीं, एक मिनट, कहिए किसकी तबीयत खराब है? तबीयत तो डॉक्टर साहब एकदम फर्स्ट क्लास है, खाली एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बोलती हूँ ना, आप तो जानते हैं कि हमने अपना फ्लैट किराए पे दिया हुआ है और वो कमबख्त किराएदार खाली नहीं कर रहा है। 80 लाख अटका हुआ है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं डॉक्टर साहब। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? जीजा जी से कहकर। जीजा जी, मैं कुछ समझा नहीं। मुन्ना भाई, आपकी कोमल मुन्ना भाई से शादी जो कर रही है, बधाई हो आपको। देखिए भाई साहब, हमारी बहन के बारे में अगर आपने इतना गलत बोला तो हम आपका, अरे संभालिए ले, हमारी बहन के बारे में कितना गलत बोल रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। पूरे मोहल्ले को मुन्ना भाई के आदमियों ने वार्निंग दी है कि आपकी बहन की शादी मुन्ना भाई के साथ होगी, और किसी ने भी कोमल की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो उसको जान से मार डालेंगे। डॉक्टर साहब, नहीं बर्दाश्त किया हमने बहुत, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब बात हमारी बहन की इज्जत पर आ गई है, और बहन की बदनामी जो है हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मेरे सामने खड़ी है और मैं शादी नहीं कर सकता? एक मिनट का काम है,
एक मिनट, उसे उठा के ले जा सकता हूँ और किसी में दम नहीं है कि मुन्ना को रोक सके। लेकिन मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी बहन से प्यार करता हूँ, ये समझा ना? प्यार जो दूसरों की जान लेते हैं ना, वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते। आपका तो इलाज हमने एक पेशेंट समझ कर किया था, लेकिन आप धोखेबाज हैं, गुंडे हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, धोखेबाज हैं और ऐसा ही रहेंगे, कभी नहीं सुधर सकते आप। अच्छा, जब मैं आया था आपके पास इलाज के लिए, हाँ, तो आपने कहा था कि मेरा इलाज वो लड़की है। अब वो लड़की आपकी बहन निकली तो आप पलट गए। अगर वो लड़की किसी दूसरे की बहन होती तो आप रोकते मुझे? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रोकते। मुझे रोकने की क्या लीजिए? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी बहू बेटी की शादी आप जैसे बदमाश के साथ बिल्कुल नहीं कराएगा। रस्तोगी, बहुत हो गई बकवास। भाई बोलो ना। भाई, अपुन के घर में आके, अपुन को गाली देके, अपुन को धमकाकर, अपुन को बदमाश बोलकर अगर तुम जिंदा खड़ा है ना, तो इससे बढ़के और कोई शराफत नहीं हो सकती, समझा? और एक और बात सुन लो, आज दिन कौन सा है? संडे, इतवार भी कह सकते हैं। अगले संडे अपुन तुम्हारी बहन से शादी करेगा, जाके शादी की तैयारी करो, चला। अगले संडे डॉक्टर साहेब। बैठिए डॉक्टर रस्तोगी। मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है? कुछ नहीं, कई लोगों से आपकी तारीफ सुनी थी कि आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इस तरीके से गुंडे बदमाश डॉक्टर को बुलाते हैं, पुलिस नहीं। ओ, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। जी। मैं एक मिनट में आता हूं, तब तक आप ये मैगजीन वगैरह कुछ पढ़िए, ठीक है? बुला ले पुलिस स्टेशन, जैसे ही कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। लगता है दिल के बहुत करीब है। क्या रिश्ता है आपका मुन्ना के साथ? ये मत समझना कि पुलिस आपसे बेखबर है, पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी हमारे पास। मुन्ना आपके यहां आता जाता है, आपके साथ मलेशिया गया था और आप ही के साथ वापस आया है, और कल आप उसे मिलने भी गए थे, करेक्ट? मगर ये सब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अब जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली चुकी है, तो मैं आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है कि मुन्ना भाई को मेरी बहन से इश्क हो गया। मैंने सच कह रहा हूं मैं आपसे, और यह बात तो सारे मोहल्ले को पता है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। आप जानते नहीं कि आजकल मैं कितना परेशान हूं। मैं तो उससे बोलने गया था कि भैया मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। क्यों बोलने गए थे? और क्यों का मतलब? अरे उसने मुझे धमकी दी कि वो संडे को आकर मेरी बहन से शादी कर रहा है। हाँ तो करने दीजिए ना, लड़का हैंडसम है, पैसे वाला भी है, शादी क्यों नहीं कर देते? अरे क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप? अपनी बहन की शादी मुन्ना जैसे बदमाश के साथ करवा दूं? उस बदमाश को जिस दिन से आपकी बहन से प्यार हो गया, उस दिन से लेकर आज तक शहर में कोई क्राइम ही नहीं हुआ है। ना ही उसने किसी का खून किया, ना ही किसी से एक्सट्रॉशन मनी मांगी है, और ना ही किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा किया है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं कि इन सब चीजों को रोकने के लिए मैं अपनी बहन की कुर्बानी दे दूं? देश में अमन और सुकून कायम रखने के लिए माओं ने अपने बेटे, बहनों ने अपने भाई और बीवियों ने अपने सुहाग कुर्बान किए, आप अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकते? अरे रुके 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 रुके, आप लोग खुद तो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की सलाह दे रहे हैं। अरे पुलिस होती है जनता की मदद करने के लिए, आप मेरी मदद मांग रहे हैं? ठीक है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त पर, मुन्ना के खिलाफ सबूत लाने में आपको हमारी मदद करनी होगी। क्या? हेलो, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ मुन्ना भाई, मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना है अभी। ठीक है, मैं हॉलीडे इन जा रहा हूँ एक मीटिंग के लिए, आप मुझे वहाँ मिल लीजिए। हॉलीडे इन, ठीक ठीक है। फंटास्टिक परफॉर्मेंस। हाँ भाई, काम पे लग जा। हाँ बुद्धू, बहुत अच्छा काम, ऐसा रोल अपने को मिलेगा।
बोले तो वेलकम। मानता है तो ठीक है, नहीं तो भाई बोल रहे हैं कि उसकी खोपड़ी को अंडे की तरह उबाल डाल। डॉक्टर साहब आइए बैठिए। देखिए मुन्ना भाई, उस दिन मैंने आप पर हाथ उठा दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे कोई बात नहीं, लेकिन जरा सोचिए, मैं एक शरीफ आदमी हूं, सोसाइटी में मेरी इज्जत है, अपनी बहन की शादी में आपके साथ कैसे करवा सकता। आप शरीफ आदमी हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, आपकी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो आपके धंधे हैं, ये वैसे ये आपके क्या क्या धंधे? कम ऑन डॉक्टर साहब, आप सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछते हैं। नहीं, कभी कभी बहुत ताजुब होता है कि इतना बड़ा काम जो है वो आप अकेले कैसे कर देते हैं। तो सुनिए डॉक्टर साहब जी, आप हैं डॉक्टर जी, आपका काम है इंजेक्शन देना, इंसान का जिस्म काट के उसमें से कलेजी दिल गुर्दा निकालना, है ना बड़ा काम? हाँ बड़ा काम है, ये तो बहुत ही बड़ा काम है। तो ये बड़ा काम करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए आप मुन्ना भाई नहीं है। अरे क्यों मान ले भाई? हाँ नहीं क्यों मानेंगे। अच्छा अगर अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप अपनी बहन की शादी मुझसे करवा देते? 100% करवा देते। 100% कहाँ जा रहे हैं? नहीं जरा बाथरूम जाए। अच्छा ए डॉक्टर, भाई के मीटिंग रूम से कोई बाथरूम नहीं जाता है। ए पप्पू भाई, रे अपना बड़ा भाई। सॉरी भाई, आओ डॉक्टर आओ आओ, बाथरूम आया तो जाना तो पड़ेगा ना। आगे ये तो मीटिंग के बाद मालूम पड़ेगा, हाथ उठाने का या मिलाने का। बैठो। मैं तुम लोगों को वापस लूंगा, ये बात की बात है, लेकिन इतने दिन अकेले रहकर क्या किया तुम लोगों ने? हाँ देखो मुन्ना भाई, हमारे बताने के बाद अगर तुमने हाथ नहीं मिलाया तो। ए मुन्ना भाई, छोटा भाई ये बोलना नहीं जानता। मैं बताता हूँ, हम लोग ये बोलना, ये अपुन का बड़ा भाई है, बोल बोल बोल, कोई टेंशन नहीं, चल। सुना नहीं क्या? ये आप उनका छोटा भाई है, बोलना। ए भाई ये तो अपनी जबान, ये बोलना। न भाई, तुम्हारा ये बड़ा भाई पुलिस से मिला। चुप बैठ, तेरे को तो नहीं मारा ना, चल बैठ 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 बैठ। ए, 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 काजू गीला कर दिया रे, कैसे खाएंगे अब? बैठ। मेरे गिरीबान पे हाथ डालता है, हैं? मेरे, सुना नहीं ये मुन्ना क्या बोला? भाई, मुंबई का इतना बड़ा भाई अपन को भाई बोलता है तो तू क्या है चिलू से? मुन्ना भाई संभालो इसको वरना ठीक नहीं होगा। ए मुन्ना भाई, हम लोग इधर कॉम्प्रोमाइज करने आए, मारकाने नहीं आए। ये गोली खा, समझा ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चल वट यहां से, वट वट वट, चल 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 वट वट। बहुत हुआ मुन्ना भाई,
तेरा राज अभी खत्म। अब से तेरा राज नहीं है मुंबई पे, पिल्लई का राज है। ये मुन्ना बाई का बड़ा बाई। अभी काय का बाई रे तू? मुन्ना तो अभी बाई नहीं, बहुत चढ़ भी चढ़ाया ना तेरे को, पिल्लई के बाई को तो तप्पड़ मारा। हा? अभी तो मुन्ना बाई नहीं, क्या करेगा तू पता पता? भाई डॉक्टर तो उछल उछल के बाहर रहना है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इसकी बहन तो अपनी माँ है यार, कहीं आप उनको तो भारी नहीं पड़ेगा। नहीं बात बोलिए। अरे मैं तो मार गए रे, हमारा तो पेट को एकदम तोड़। पिल्ले भाई, मैं तेरे को हजार बार समझाया भाई, गोली मारने का है तो गोली मार भाई, बात नहीं करने का समझा भाई? क्या करता रे? माफी का राज शुरू होने का पहले सब खत्म खत्म। ए पिल्ले, भौंकने से पहले सोचना चाहिए था ना भाई पे हाथ क्यों उठाया? बहुत बड़ा गलती किया भाई, बोल गलती किया, बहुत दुर्लभ गलती किया। भाई को मारने चला था ना, खुद मर। भाई सोच क्या रे, ले और घुसेड़ दो ना साले के भेजे में। अरे जाने दे भाई, जाने दे, जाने दे, छोड़ दे साले को। ए तू निकल इधर से निकल, दिखाई दिया तो मुन्ना तो क्या, अपन तेरे को नहीं छोड़ेगा। कमाल का डॉक्टर है यार, क्या हुनर है तेरे पास यार, क्या मारा है यार, हो गया ना सब। वो उसको मैं चिलगोजा बोला। अरे परफेक्ट है, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ वो तो भाई प्रेजेंट 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 दो भाई प्रेजेंट प्रेजेंट, ये अपुन की तरफ से है डॉक्टर साहब। क्या छोड़ा ले क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का, हो क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। कद लंबा ते सीना चौड़ा, तू है लंबी रेस का घोड़ा, हो बुलाए मुन्ना भाई तू सामने आए, वाट लग जाए मेरी, तू सर पे खड़ा हो जाए, खाट लग जाए मेरी। खोलता है
ए, क्या बोलता है अला साला पिया हमने, तू क्यों डोलता है। सब हमसे डरता है, हम तुमसे डरता है, प्यार तुम्हें करता है, हम तुम पे मरता है। लग जाए मेरी तू सर पे खड़ा हो जाए, खाट लग जाए मेरी। मैंने आशिक बनाया, आशिक बनाया, इश्क करने तू मेरे घर और मेरे घर आया। चल हो गई दोस्ती डबल हो गई, मुश्किल हल हो गई, गुप चुप गल हो गई। मुझको अगर मिल जाए तो लाइफ बन जाए मेरी। ओ मुन्ना भाई तू सामने आए, वाट लग जाए मेरी, तू सर पे खड़ा हो जाए, खाट लग जाए मेरी। भाभी 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 वो क्या भाभी, रात को एकदम सही भाई ने शादी का डिसीजन लिया। अब एक रात में कारण छपवाने थे तो अपुन ने भी रात को प्रेस वाले को उठाया और शादी के कारण छपा। ये छपते ही पहला कारण आपको देने आओ, ये आपका और बाकी के कारण आपके दोस्त और रिश्तेदारों के लिए। भाई ने कहा है कि कोई डिमांड हो तो बोलने का, क्या शादी का जोड़ा तैयार है? मैं चलता। क्या भाई का पहला शादी है ना तो बहुत काम है हमारे सर पर। भैया भैया आ रहा हूं। क्या बात है? क्या ये देखिए शादी के कार्ड्स। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है, शादी के कार्ड ही है ना। ये मेरी शादी के कार्ड्स हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, वो मुन्ना ने छपवाए हैं और संडे को बारात लेके आ रहा है। नहीं। अब क्या होगा भैया, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। देखो देखो देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं देखता हूँ कैसे शादी करता है, मैं देखता हूँ। आप आज तक सिर्फ देखते आ रहे हैं और देखते देखते उसने शादी के कार्ड छपा दिए और देखते देखते वो बारात भी ले आएगा। लेकिन भैया करें तो क्या करें? वो कोमल से सिर्फ शादी करना चाहता है ना। हाँ। तो अगर कोमल की शादी किसी और लड़के के साथ कर दी जाए तो क्या वो किसी शादीशुदा लड़की के साथ शादी करेगा? लेकिन इतनी जल्दी कोमल के लिए एक अच्छा सा लड़का मिलेगा कहाँ? तो ये क्या आपके सामने खड़ा है? भैया सोच क्या रहे हैं, हाँ कह दीजिए ना। वैसे भी मैं राजा के सिवा और किसी से शादी नहीं करूंगी। प्रणाम प्रणाम, कहो वत्स क्या चाहिए? पंडित जी बस इन दोनों का हमें विवाह करवाना है। इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता। क्यों?
क्या है, विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी निकलवाना आवश्यक है। हाँ, इन सब चीजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं पंडित जी, आप जल्दी से इनका विवाह कर दीजिए। परंतु इस लड़के का समय बहुत खराब चल रहा है, इस पे शनि की महादशा है और इसके सर पर मौत मंडरा रही है। क्या बकवास कर रहे हैं आप पंडित जी? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और इस कन्या का मुख कहता है कि कोई बलवान लड़का इसे बहुत प्यार करता है और उसी के साथ इसकी शादी होगी। अरे पंडित जी आप बिल्कुल सही थे, ये घड़ी बिल्कुल ही बिल्कुल अशुभ है। भाग 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 ले भैया, भाग ले भाग ले भाग ले, अरे भाग भाग भाग। फादर, दिस इज द ब्राइड, दिस इज द ग्रूम, और ये दोनों शादी मनाना मांगता है। लेकिन माय सन, गॉड इन दोनों का शादी मनाने को नहीं मांगता है। बट व्हाई फादर? लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़का को प्यार करता है, तो गॉड को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? गॉड को प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, अपुन को प्रॉब्लम है, अपुन को। नमस्कार मजिस्ट्रेट साहब, इन दोनों की रजिस्टर्ड मैरिज करवानी है। मेरा नाम डॉक्टर रस्तोगी है, ये राजा है, ये मेरी छोटी बहन है कोमल, और ये है अंगूठियां। आप दोनों अंगूठी पहनाइए और आप कागजात तैयार कीजिए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जल्दबाजी में हर काम खराब हो जाता है। गवाह कहाँ है? अजी मैं हूं ना गवाह, मैं हूं गवाह। आप तो कानून जानते हैं कि दो गवाहों की जरूरत होती है, दूसरा कहाँ है? हाँ? दूसरा आप बन जाइए ना। मैं बन सकता हूँ, मैं आपके लिए गवाही दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे दूसरा रजिस्ट्रार बुलाना पड़ेगा और आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक एक, 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 एक एक दिन तो हम लोग कैसे ठहरेंगे? अरे जी, आप तो परेशान हो गए। परेशान हो गया बिल्कुल। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? जनता की सेवा के लिए। दूसरे गवाह का बंदोबस्त हम किए देते हैं। हाँ ये ठीक है, कौन 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 होगा ये दूसरा गवाह? आप एक मिनट ठहरिए। भाई साहब जरा अंदर आइए, गवाही देकर इनकी मदद कर दीजिए। आइए आइए। अरे बाप रे, अरे अरे बाप, बाप 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 बाप। मैंने तुझसे कहा था ना कि कोमल के आगे पीछे दाएं बाएं भी नजर आया, तो इस दुनिया में नजर नहीं आएगा साले तेरी। तो मैं इधर ही। अरे छोड़ भाई भाई, ये क्या कर रहा है? अरे छोड़ भाई, इसका इलाज अच्छा मैं बोलता हूं, साले को यही टपका देता मैं। अरे आपको मारना ही है तो बाहर जाके मार लेना भाई, मेरी नौकरी जाती रहेगी, मैं मर जाऊंगा। हाथ तो छोड़ यार, तो सोचो भाई। देखिए सारा मुंबई और ये पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं एक शरीफ किस्म का आदमी हूं, पेशे से डॉक्टर हूं और कई सालों से यहां पर मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मेरी बहन है कोमल, और आप सब तो जानती ही हैं मुन्ना भाई अंडरवर्ल्ड का वो खतरनाक डॉन जिसकी वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। उसने हमें बहुत तंग कर रखा है और हम उसका कुछ कर ही नहीं पा रहे। किस तरह से तंग करता आपको मुन्ना भाई? क्या उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन मनी मांगा आपसे? कोई प्रॉपर्टी मांग रहे हैं आपसे? नहीं। तो फिर वो क्या चाहता है? जी वो मेरी बहन को चाहता है। जी हाँ, वो मेरी बहन से प्यार करता है। क्या आपकी बहन भी उससे प्यार करती है? जी नहीं, मेरी बहन तो राजा से प्यार करती है। और मैं राजा हूँ। हाँ ये है राजा। तो आप कानून का सहारा क्यों नहीं लेते? देखिए कानून का सहारा लेकर कोई फायदा है नहीं, प्यार करना कोई जुर्म तो है नहीं। और हम शरीफ लोग हैं, मुन्ना भाई से गुंडागर्दी में तो हम जीत नहीं सकते। तो आप करना क्या चाहते हैं? हम आपके जरिए पब्लिक और कानून को कुछ बताना चाहते हैं। इस वक्त मुन्ना भाई के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैं हूं, वो मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए कल चाहे मेरी मौत एक्सीडेंट से हो या गिरकर हो, या मुझ पर बिजली गिर जाए या बिजली का खंभा, मेरी मौत का जिम्मेदार मुन्ना भाई होगा, सिर्फ मुन्ना भाई। मुन्ना इज आफ्टर माय लाइफ राजा। साले को मैं छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा साले को। यही तो वो चाहता है कि आप भड़को, उसे कुछ हुआ और आप गए। भाई मैं तो बोलता हूँ उसके पीछे चार आदमी लगाने पड़ेंगे सिक्योरिटी के वास्ते। अब भाई बात को सब जाने तो रास्ते में गाड़ी वाड़ी से टकरा के मर गया तो सारी मुसीबत आपके सर पे आ जाएंगी। अब भाई पहले क्यों नहीं समझाया भाई? हाँ।
मुन्ना, ए मुन्ना, देख तो सर को, ए मुन्ना भाई के मोहल्ले में आके उनका खड़ा नाम ले रहा है? ना भाई ना जी ना आप, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? मुझ में कितनी हिम्मत है, इसका सैंपल तो आपने अखबारों में देख ही लिया होगा। चार अखबारों में छपवा कर तुझे ये लगता है कि तू मुझसे जीत लेगा? लेकिन जीतने भी नहीं दूंगा, अब मुझे कोमल से शादी करने से कोई सूरमा नहीं। ए, कोमल मेरी है, उसकी शादी मुझसे ही होगी, समझा? ए, भाभी का नाम अपनी जबान पे भी मत लेना। एक मिनट, ये लो शादी का कार्ड। दिन भी वही है, दुल्हन भी वही है, सिर्फ दूल्हा चेंज हो गया। अब दूल्हा तुम नहीं, मैं हूँ। शादी का कार्ड छपवाने का मतलब ये नहीं कि शादी हो जाएगी। अब कार्ड छप गया तो शादी भी हो जाएगी। तुम आना और इन दोनों को भी साथ में लेके आना, बहुत कार्ड बांटने। भाई, 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 ये तो भारी पड़ गया। इसने कानून का सहारा लिया है ना, अपुन भी कानून का सहारा लेगा। इंस्पेक्टर शिंदे को फोन लगा। भाई नंबर क्या है? याद आ गया भाई, 98210 20। ये उसे दे देना। शिंदे भाई बात करेंगे। लो भाई। हाँ शिंदे। हाँ शाम को मिल। अरे भाई मेरे लिए दो कमांडोज काफी हैं, मुझे जेड सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये जेड सिक्योरिटी नहीं, हमारे पास आपका सर्च वारंट है। सर्च वारंट? चलो भाई चलो, जल्दी देखो जी, इधर देखो। और आने तुम हेडक्वार्टर में फोन करो कि हम जल्दी पहुंच रहे हैं। यस सर। ये क्या है? रिवॉल्वर है। मैं तुम्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी थोड़ी है। ये तुम्हारे यहाँ मिली तो तुम्हारी हुई ना। अरे ये तो समझ गया, ये मुन्ना की साजिश है। मैंने ही कहा था कि मेरे यहाँ मिलेगी तो मैं फंस जाऊंगा, फंस गया। चलिए चलिए। राजा। अरे राजा बिल्कुल मत घबराना, मैं आ गया हूं, मैं अभी तुम्हें बाहर निकलवाता हूं। इंस्पेक्टर साहब, ये राजा को किस जुर्म के लिए बंद किया गया है? इसे गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में बंद किया है। क्या हथियार? गैर कानूनी हथियार। अच्छा, मैं सच कह रहा हूं डॉक्टर साहब, मुझे इस रिवॉल्वर के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये जरूर मुन्ना की चाल है। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि पुलिस मुन्ना जैसे मुजरिम के साथ मिली हुई है? देखिए कमिश्नर साहब, राजा बेकसूर है, आप उसका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उससे रिवॉल्वर बरामद हुई है। अरे कमिश्नर साहब, मैं उसकी जमानत देने के लिए तैयार हूँ। जमानत थाने में नहीं होती, अदालत में होती है। आज संडे, कल अदालत जाके जमानत करवा लेना। ओके, अभी जाइए, जाइए। जा रहे अरे कमिश्नर साहब, सलाम सलाम। यहाँ क्यों आए हो? भाई की शादी का इनविटेशन कार्ड लो। घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, भाई ने आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया है। मेरी सिक्योरिटी का? अरे राजा, इधर ही चाहे, क्या हालचाल? अरे तेरे, अरे हालचाल क्या होएगा, ये इधर अपनी ससुराल में मत, कल से भाभी अपनी ससुराल में मत। ले भाई ये ले कार्ड। हाँ कार्ड भी वही है, दिन भी वही है, तारीख भी वही है और जगह भी वही है। ले 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 ले। और दूल्हा भी वही है, बोले तो मुन्ना भाई। तू शादी में तो आ नहीं सकता, इसलिए अंदर बैठ के ही भाई और भाभी को आशीर्वाद दे देना। चलता हूँ, तेरे बाद हलवाई को भी मिलने का है, चल। अच्छा भाई, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। शट अप,
एक तो अपनी जान बचाने का खतरा बताकर पुलिस से अपनी हिफाजत के लिए कमांडो लेते हो और साथ में गैर कानूनी हथियार भी रखते हो। वो रिवॉल्वर मेरी नहीं मुन्ना की है। मिली तुम्हारे यहाँ से? यही तो मुन्ना की चाल है, मुझे मार सकता नहीं क्योंकि खुद अंदर हो जाएगा, इसलिए मुझे फंसा रहा है। कमिश्नर साहब, मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं, सिर्फ मुन्ना के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की है, उसी का बदला ले रहा है। ये कार्ड देखिए कमिश्नर साहब, अब वो जबरदस्ती मेरी कोमल से शादी कर रहा है। कोमल जान दे देगी लेकिन शादी नहीं करेगी। प्लीज कमिश्नर साहब, कोमल की जिंदगी का सवाल है, प्लीज कमिश्नर साहब मुझे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ किसी भी सूरत में मुन्ना को सबूत के साथ गिरफ्तार करवा दूंगा। ए, बहुत बोल लिया, अब मैं बोलूंगा। कानून में रहकर तो मैं आज तक मुन्ना को नहीं पकड़ सका, पता नहीं क्यों मेरा दिल आज ये कहता है कि कानून तोड़कर मुन्ना को पकड़ा जा सकता है। नहीं, 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 ड्रॉप द गन, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये पागल हो गया है, कोई, कोई कुछ नहीं करेगा। ओके, ओके, ओके। अरे यार, तू मुझे ऐसे लेके जा रहा है जैसे तू कमिश्नर और मैं मुजरिम हूँ। कमिश्नर साहब, आपका एहसान है मुझ पर, लेकिन इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जल्दी में हूँ। इससे पहले मुन्ना बारात लेके पहुंचे, मुझे पहुंचना है। अरे मुझे गन तो दे दे वापस। सॉरी, थैंक यू। अरे उतार दे मुझे, क्या बारात में नाचने लेके जाएगा, उतार दे, मैं भी जल्दी में हूँ भाई। उतरना है आपको? हाँ, उतरो। अरे इतनी भी जल्दी नहीं थी कि धक्का मारना पड़े। रिक्शा, गोरी खोल दरवाजा, हे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। गोरी खोल दरवाजा, शर्म की रेखा को पार कर ले, ना 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 कर, हाँ हाँ तू प्यार कर ले। ए लाज शर्म की रेखा को पार कर ले, ना 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 कर, हाँ हाँ तू प्यार कर ले। नाचते गाते तेरी गली हम आएंगे, तुझको उठा के गोरी हम ले जाएंगे। अपनी मर्जी से आ जा, दिल में समा जा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा।
लगा ले, 16 सिंगार कर ले, दुल्हन बन जा, खुद को तैयार कर ले। हो मेहंदी लगा ले, 16 सिंगार कर ले, दुल्हन बन जा, खुद को तैयार कर ले। कब से न जाने तेरे पीछे पड़ा हूँ, देख तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। मैं अंदर आऊँ या बाहर तू आ जा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। क्या डॉक्टर साहब, भाई की बारात आ गई है ना, मंडप है ना, स्वागत है, हो क्या रहा ये? भाई साहब, जिस तरह आप बारात लेकर आए उसी तरह आप वापस ले जाइए यहाँ से। भाई आए हैं तो दुल्हन लेके ही जाएंगे आप। क्या बोला आपने डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से लौट जाऊँ? बिल्कुल, खैरियत इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाएं। और आपकी खैरियत इसमें है कि दुल्हन को मेरे साथ रवाना कर दीजिए, ये मुन्ना भाई की इज्जत का सवाल है। इज्जत उनकी होती है मुन्ना भाई जो इज्जतदार होते हैं, तुम्हारे जैसे गुंडे मवालियों की इज्जत नहीं होती है। क्या बोला तुमने डॉक्टर साहब, मेरी इज्जत नहीं है? अरे मैं जिधर से भी गुजरता हूँ ना तो सलाम करते हैं लोग मुन्ना भाई कह के। वो तुम्हें सलाम नहीं ठोक रहे मुन्ना भाई, वो डरते हैं तुमसे, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। निकल भाई को धक्का, निकल निकल, क्या करेगा, क्या करेगा, मारेगा मुझे? डॉक्टर साहब मैं तुमको बड़ा भाई मानता हूँ, तुम्हारे जैसे गुंडे बवालियों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, निकल यहाँ से। क्या करेगा तू, हाथ उठाएगा मुझ पर? उठा हाथ, उठा। डॉक्टर साहब मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मेरा भी हाथ उठाता हूँ। बहुत हो गया डॉक्टर साहब, क्या करेगा तू, मारेगा मुझे? चल मारे। आज देखते हैं कि जुर्म करने वाले के हाथों में ज्यादा ताकत है या बहन की इज्जत बचाने वाले हाथों में ज्यादा ताकत है। रुक जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। ए डॉक्टर, अब अगर हाथ उठाया ना तो मोहल्ले में लाशों का ढेर लगा दूंगा। पहले तू मेरा ढेर तो बना। कर दिया तुमने, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से प्यार किया है। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ राजा की हूं और राजा की ही रहूंगी। इन दोनों को बीच में क्यों लाता है मुन्ना? ये लड़ाई तेरी और मेरी है, जो जिंदा बचा वो जीत गया। तो तू मरेगा। अरे मैंने मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मैंने मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, कोमल, 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 अरे गाड़ी लाओ, एक गाड़ी, मार के तकार।
राजा जल्दी कर। देखिए आज कोई पेशेंट एडमिट नहीं होगा, स्ट्राइक है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम डॉक्टर रस्तोगी। देखिए अगर आप डॉक्टर है तो हमारा साथ दीजिए। अरे साथ कैसे दें भाई साहब, आप देखने रहे कि ये पेशेंट है, इसको गोली लगी। गोली लगी तो पुलिस स्टेशन लेकर जाइए। पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है भाई साहब, आप लोगों को स्ट्राइक करना है कीजिए, मुझे तो अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर देखिए मैं कुछ नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूं अंदर नहीं जा सकते। देख चलिए अंदर नहीं जा सकते, गोली लगी हुई है। किसने हॉस्पिटल बंद किया जानता मैं कौन हूं? चल खोल खोल। चलो चलो डॉक्टर साहब चलो। अरे ला ला स्ट्रेचर स्ट्रेचर समझ के चल चल। हौसला भाई संभाल के संभाल के संभाल। आप नहीं रुके डॉक्टर साहब, आइए। तूने आज अच्छा नहीं किया। जो गोली तुझे लगनी चाहिए थी वो कोमल को लगी है। सचमुच बहुत बुरा काम हुआ है। कोमल के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तू जिंदा क्यों है? तुझे भी मरना होगा समझा? मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुझे मारने के बाद। तुम लोग हद कर दी, तुम दोनों ने इंसान के नाम पर धब्बा हो तुम लोग। इस जगह इस वक्त शेम ऑन यू, रियली शेम ऑन यू। मुन्ना तुम्हारी गोली मेरे दिल के पास लगी थी, एक एहसान कर दो, एक गोली और मेरे दिल पे ही मार दो, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ राजा है और वो मेरे मरने के बाद ही मेरे दिल से जाएगा। अरे मुन्ना भाई नहीं नहीं, ये नहीं डॉक्टर साहब, आज मुझे पता चला कि बंदूक से किसी की जान ली जा सकती है, किसी का दिल नहीं जीत सकते। कोमल अपुन ने तुमसे बहुत प्यार किया है और हमेशा करूंगा। तुम भले अपुन से प्यार मत करो लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जिंदगी में अपुन से नफरत नहीं करना। ने कहा था ना कि मुन्ना के खिलाफ एक ही इंसान गवाही दे सकता है और वो खुद मुन्ना है। चलिए मुन्ना भाई। हाँ डॉक्टर साहब, जब अपुन सजा काट के बाहर निकलेगा ना तो शायद अपुन को कोई सच्चे दिल से प्यार करेगा। मुन्ना भाई यू आर गुड। नहीं डॉक्टर साहब, यू आर गुड। नो यू आर गुड, यू आर गुड डॉक्टर साहब। मैंने बोला ना यू आर गुड, तो यू आर गुड। कमिश्नर साहब हम भाई के बगैर नहीं रह सकते, हमें भी ले चलो। आपका जुर्म क्या है? जो भाई का जुर्म है वही हमारा जुर्म है।
ये हथियार गैर कानूनी है ना? बस ना, एक गैर कानूनी हथियार मेरे पास भी है कमिश्नर साहब। एक रिक्वेस्ट है, जो सजा भाई को मिलेगी ना वही सजा हमको भी मिलनी चाहिए। जिस लॉकअप में भाई रहेंगे उसी लॉकअप में हम भी रहेंगे। हम भाई के बगैर रह नहीं सकते। देखा क्या भाईचारा है, वाह आओ। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का, हो क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। कद लंबा ते सीना चौड़ा, तू है लंबी भैंस का घोड़ा, हो सारा शहर मुझे हीरो बुलाए, मुन्ना भाई तू सामने आए, वाट लग जाए मेरी, तू सर पे खड़ा हो जाए, खाट लग जाए मेरी।